वो बता दें, और यहाँ आने का मकसद क्या है, यहाँ क्यों, क्या अचीव करना चाह रहे हैं आगे, स्टॉक्स पे ले बैठने का क्या मकसद है। खाली बस एक लाइन में करिएगा, मतलब लंबा नहीं करिएगा ज़्यादा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लें यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से यूँ जाके फिर यूँ घूम के शुरुआत, ठीक है। बस ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या आप लोग, क्या ऑडियंस का पावर कहाँ पे है, और मुझे कहाँ से लेवल स्टार्ट करना है, ठीक है, एनर्जी लेवल सही। अब लोग स्टार्ट करते हैं। Now I'm going to do my master's in Chala Raisa, and I'm here ताकि मैं ये जान सकूँ कि किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रोजेक्ट को लीड कैसे करना है ओवरऑल। माइक ऑन होता है, माइक ऑन करके ऑफ कर। I just know that I did my master's from Gujarati University in economics and finance. I'm doing different courses. Perfect. Next. I am Aparna and I'm a graduate of computer science, and I've been working in a software house as a project coordinator, and I have to continue my career in project management. That's why I'm here. Myself, Sayur Zana, lecturer in Jinnah University for Women. Basically, I'm a pharmacist and doing MPhil. It's about completion. तो एक साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया था, सो मेरा जो काम था दैट वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है इट इज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई आई वाज, सो आई डोंट हैव द प्लान्स राइट नाउ बट आई विल हैव एट द एंड ऑफ दिस। परफेक्ट। मेरा नाम तौफीक अहमद है और आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी। मैंने मास्टर्स भी एनडी यूनिवर्सिटी से किया है और मेरा अभी पीएचडी चल रहा है। पीएचडी कर रहा हूं उसके अलावा मैं प्रायोरिटी मैनेजर पोस्ट पर। ओके। नाम मेरा सर अहमद लाल है और ग्रेजुएशन मैंने स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। इलेक्ट्रिकल followed by master's in industrial electronics from NID. Right now working as a system engineer in a US based company. यहाँ पे आने का मकसद अपने skill sets को थोड़ा सा polish करना है। मेरा नाम दादा है और मैं इंटर में हूँ, उसके बाद जो है मेरा बीकॉम करने का इरादा है, बीकॉम करने का इरादा है मेरा, और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट को ऐसा मैनेजर किसी प्रोजेक्ट का ऐसे लीड करूँ। मैं
I'm Zavala. Did my master's in engineering management from Central Queensland University, Australia. And for here, I came here to enhance my project management skills. And presently, I'm working as a senior engineer in Boston Synthetics Limited. Assalamualaikum. मेरा नाम मोहम्मद अस्मैन है एंड मैंने अपनी बीए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में की है और मेरा मकसद ये प्रॉपर डिग्री हासिल करना. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम मोहम्मद हमजा है. मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की है कुछ नवाबशाह से और करंटली मैं असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर काम कर रहा हूँ एवरग्रीन एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट. यहाँ आने का मकसद है कि आप जैसे फील्ड सुपरवाइजर बनते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं तो उसको कैसे लीड करना स्टार्ट टू एंड कैसे गाइड करना ये सब जानना है. थैंक यू. और अभी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी में ट्रेनिंग के लिए काम कर रहा हूँ.
आगे जाके और ये जो पी एम टी कोर्स जो मैं रहता हूँ इससे आगे जाके जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा शुरू करता तो मैं वहाँ पे जो एक्सपीरियंस गेन होगा और मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ से एक्सपीरियंस गेन होगा उससे अपने बिजनेस के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करके उसको आया मलेकोटा मैनेजर कंस्ट्रक्शन अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए बीएमबीए ज्वाइन किया। सेम खान आई एम बी मैकेनिकल फ्रॉम एनर्जी एंड आई एम डूइंग जॉब इन अ मेंटेनेंस इंजीनियर टेक कंसर्न एंड आई एम हियर टू इंक्रीज माय मैनेजिंग स्किल। मैं सॉरी बीइंग मैकेनिकल फ्रॉम एनर्जी यूनिवर्सिटी। My name is Imad Shah, being mechanical from NIT University. Since I am currently serving as a project engineer, therefore I am here to learn how to efficiently scale a project. अच्छा, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को सुनके। अल्लाह हाफिज़। बस आ गया। इस कोर्स का नाम क्या है वैसे? Project Management Professional. सही। तो सबने तकरीबन 99% लोगों ने कहा कि हम अपना स्किल सेट को इन्हेंस करना चाहते हैं। पता नहीं कौन सा स्किल सेट है जो इन्हेंस करना चाहते हो। सही है। क्यों करना चाहते हो ये भी नहीं पता मुझको। जॉब में अच्छे थोड़ा सा हो जाए, एक्सपीरियंस आ जाए। मास्टर्स करा हुआ है, मुझसे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे बुजुर्ग, मतलब बालों से मैं लग रहा हूँ, लेकिन मैंने खाली बैचलर्स करा है, मास्टर्स नहीं किया। तो साउथ ओ मैं भी इंट्रोडक्शन दूंगा। तो मसला ये है कि आप लोग करना क्या चाहते हो जिंदगी से? सवाल ये है, नहीं सेमिनार खत्म नहीं होता। एक होता है ख्वाब, एक होता है हमारे एम, और उसको अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम किस तरह वहां पहुंचेंगे। नहीं, किसी ने मुझे ये नहीं कहा मैं बड़े हो के, सिवाय इनके और मुझे कोई आवाज़ नहीं है किसी ने कहा। इन्होंने कहा मैं अपने बिजनेस में अपनी इन्फॉर्मेशन लगाना चाहता हूँ, मैं एमएस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस में जो बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है उसमें इसको यूज़ करूँगा। तो एक गोल था कि मैं आगे जाके सब कुछ जो हो रहा है मैं ख़त्म करके अपना कोई काम करूँगा। ये जो मैं स्किल सीख रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, इसको मैं कहीं इंप्लीमेंट करूँगा अपनी लाइफ के अंदर, ताकि जब दुनिया से निकलो तो गम ना हो कि यार हम पूरी जिंदगी काम करते रहे और अब जा रहे हैं तो किस क्या करके गए इस दुनिया में, कितने लोगों की जिंदगी बदली हमने। तो एक होता है इंसान जो सोचता है लंबा, अल्लाह ताला के हाथ में होता है वहां तक पहुंचाए ना पहुंचाए। सही है। अब आप स्किल सेट यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ले लो, कोई डेवलपमेंट सीख ले, कोई कोडिंग सीख ले, कोई मार्केटिंग सीख ले, दुनिया के 1 करोड़ कोर्सेज कर लो, PhDs बन जाओ, डबल PhDs कर लो, लेकिन तुम्हारी जब एम है वही तुम्हारा किसी है कि यार तुम किसी के पास जॉब करो या किसी गूगल में काम कर जाओ या फेसबुक में काम कर जाओ। अगर तुम्हारी यहाँ तक अगर तुम्हारी सोच है तो इस फ़ायदा किस सोच का, इतना सीखने का, इतना इल्म हासिल करने का? उन्होंने कहा मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, इस इल्म का करेंगे क्या? असल सवाल तो ये है। देखो हर चीज़ बताने का एक अपने आप को मोटिवेशन देते हैं और अपने आप को चैलेंज होता है कि मैंने उस सेमिनार में कहा था कि मैं ये करना चाहता हूँ। क्या होती है एक पहला, क्या बिजनेस क्या होती है? सॉरी क्या बिजनेस ही होता है? नहीं नहीं मैं आपको मजाक नहीं उड़ा रहा, हर एक की जिंदगी का मकसद बिजनेस नहीं होता। नहीं मुझे कुछ, मैं यहाँ पे ये कोई नहीं कर रहा तंकीद की यार आप लोगों ने कोई बड़ा सोचा है। बिल्कुल सही, उस छोटे में से वो कोई बंदा बोलता है खिदमत खल करना चाहता हूँ। भाई जो इंडस हॉस्पिटल है डॉक्टर बारी साहब है, ठीक है, उन्होंने सोचा था मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, एंड रिजल्ट मेरा बिजनेस है इस इल्म का। डॉक्टर है वो, इंडस अस्पताल कितने लोगों की कर रहा है सर्विस, कितने लोगों को सर्व कर रहा है,
तो जब आप बड़ा विजन सोचोगे ना, फिर आप उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे कि यार मुझे यहाँ पहुँचने के लिए मुझे कौन सा स्किल अपनी ज़िंदगी में डालना है। मैंने कंप्यूटर साइंस में बीएस किया, बीएस इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, कोई मेरे गोरा शोरा नहीं, वहाँ बाहर से नहीं, सही है, कराची यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस किया मैंने। अब मैंने कहा यार मैं मास्टर्स करूँ तो क्यों करूँ, या तो मुझे जो मेरे प्रोफेसर ने कहा यार तुम मास्टर्स करो ताकि तुम आई बी में पढ़ा सको, मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूँ एक सेमेस्टर एज ए विजिटिंग फैकल्टी, सही है। तो मैंने कहा यार कि अगर मैं मास्टर्स करूँगा तो खाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के काबिल हो सकूँ, तो मुझे ये तो मेरा मकसद है ही नहीं। मेरा एम था कि अपनी कंपनी स्टार्टअप करूँ जो सॉफ्टवेयर कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, राइट। तो मास्टर्स डिग्री मैं जब करूँगा जब मुझे कोई स्किल सेट सीखना हो। भाई डिग्री क्यों होती है, डिग्री डिग्री के लिए तो नहीं होती, डिग्री होती कोई इल्म सीखने के लिए होती है ना। तो मैंने कहा अगर मुझे कंप्यूटर साइंस एडवांस सीखनी है तो मैं ऑनलाइन सीख सकता हूँ, मैं क्यों डिग्री करूँ, दो साल अपने लगाऊँ और मुझे ऑनलाइन ही सीखना पड़े यूट्यूब पे। मैं क्या मास्टर्स की डिग्री जब होगी जब मुझे कोई जरूरत पड़ेगी, या तो मेरा एक दोस्त था कह रहा था यार मैं मास्टर्स करो, मैंने क्यों, अब यार लड़की वाले हैं ना कह रहे मास्टर्स कर लो, सही है आप कर लो तो अच्छा है ना, प्रोफाइल में आएगा लिखा हुआ। हाँ तो उसकी मर्जी, देखो इसमें किसी का एम पे बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कंपनी कर रहा है वो अच्छा है और जो जॉब कर रहे हैं वो बुरे हैं। MBTI एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, उस लिहाज से 16 पर्सनैलिटीज है दुनिया में डिफरेंट। कोई जॉब पे पसंद होता करता है, वो कहता है यार सुबह जाए जॉब करे, रात को घर में 9 to 5 आए, 5 बजे के बाद फैमिली को टाइम दे, खाना खाए, सो जाए, रिलैक्स जिंदगी गुजारे, फिर सुबह 9 to 5 जाए, स्टेबल जिंदगी हो, राइट, अच्छी जगह जॉब लग जाए, चिल जिंदगी, गुड, वी आर रियली हैप्पी विद इट। वो द थिंग दैट रियली मैटर्स इज व्हाट इज योर इंटरनल फीलिंग, आर यू कंटेंट विद द लाइफ यू आर लिविंग और नॉट, राइट। जैसे मैं हूँ या मेरे कोई और दोस्त हैं, उनको ये स्केड्यूल पसंद ही नहीं, स्केड्यूल जिंदगी का, वो चाहते हैं स्टार्टअप हो, चैलेंजेस हो, कोई इसके एक स्केड्यूल भी ना चले। हम जब वो कभी कभी थक जाते बोलते यार कितने खुशकिस्मत है, खुश हैं ये लोग, हम लोग हमेशा होते हैं कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, हमें चेंजेस करनी है जिंदगी के अंदर। तो हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, राइट, कोई यह फोर्स नहीं कर सकता आपको। तो अगर मैं अपना बैकग्राउंड दूँ, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करी, सॉफ्टवेयर डेवलपर कोडर बन गया, सर जिया सरसीद में आके मैं कोर्सेज करता था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, सर जिया के अंडर कंप्यूटर साइंस के। 1.5 साल हमने जॉब करी जियाउद्दीन हॉस्पिटल में, जो इंडस हॉस्पिटल का ब्लड बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पे हमने उसको डेवलपमेंट करा, उसको बनवाया, बनाया टीम के साथ बैठ के। उसके बाद हमने अच्छा यूनिवर्सिटी के दौरान ही, अच्छा हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पैसों वाला, मिडिल क्लास फैमिलीज है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही 3rd ईयर में हमने कहा यार प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते, ठीक है, हमने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दी, upwork.com पे गए, freelance.com पे गए, हमने देखा कि यार हमें आता क्या है, अच्छा हमने कहा चलो मोबाइल डेवलपमेंट आती है उस टाइम पे, हम सीख भी रहे थे, अब जो चीज़ सीख रहे हो इस्तेमाल नहीं कर सके तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो हमने जो सीख रहे हैं क्या है, हम ये वर्ल्ड क्लास लेवल पे सीख भी रहे हैं, नहीं सीख रहे ऐसी से फायर रही। तो हमने फिर Upwork में जाके अप्लाई करना स्टार्ट किया कि यार हमें काम आता है कम पैसों में, हमें वहाँ पर प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो गया। 3rd ईयर के अंदर हमारे 13 बंदों की टीम थी, प्रोजेक्ट उठाना स्टार्ट करे, थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी हो गई, कस्टमर से क्लाइंट से बात करने लगे, प्रोजेक्ट आने लगे, 30-40 हज़ार रुपये निकलने लग गए प्रोजेक्ट के अंदर, ज़्यादा होने लगे तो मैं दोस्त को बोला तुम्हें करना ये कर लो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, वो करने लगा, वो थोड़ा सा हमने पैसे अपने रख लिए, उससे करवाना स्टार्ट कर दिया। तो यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के अंदर स्टार्ट कर दिया था। फाइनल ईयर के अंदर ग्रेजुएट हुए तो हमारे एक सर थे, सर जियाई थे, उन्होंने कहा तुम्हारा पूरा ग्रुप मुझे चाहिए, हायर करना चाहते हैं। सर ठीक है, काम किया, 1.5 साल काम किया, फिर हमें लाहौर से ऑफर आई जो हमें करंट सैलरी से 2 या 3 गुना ज़्यादा पैसे दे रहे थे कि आप लाहौर मूव हो जाओ। अब हमने कहा यार लाहौर मूव हो या ना हो, करना अपना स्टार्टअप भी है, सारे दोस्त भी साथ जा रहे हैं, अच्छा मुझे पहले आई, तो मैंने कहा मेरा एक दोस्त है इसको भी आप ले लो, मैं अकेला वहाँ बोर हो जाऊँगा लाहौर में। अरे तुमने कहा सही, इसका इंटरव्यू लेते, उसका इंटरव्यू लिया, वो भी सिलेक्ट हो गया। मैंने कहा यार ये भी सिलेक्ट हो गया, फिर मैंने कहा यार मुझे ना 2 टिकट चाहिए रिटर्न टिकट साल के, मेरे फैमिली को मिस कर, मैंने कहा सही है, फिर उन्होंने अपडेट करा मुझे ऑफर लेटर, फिर अपडेट करके सेंड कर दी, मैंने कहा ये भी मान ली मेरी बात। फिर मैंने कहा एक तीसरा दोस्त भी है मेरा, उसको भी साथ लेके चले, उसका इंटरव्यू, उन्होंने कहा इसको हम 1 महीने बाद बुलाएंगे, 2 आप आ सकते हैं साथ। अब मैं परेशान, यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो खाना पकाना वकाना ये तो सब यहाँ हम ही करते दिए, वहाँ तो हम तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, यहाँ पे वहाँ पे सारा पकाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कपड़े वपड़े धोने पड़ेंगे, और फिर कंपनियाँ इतने पैसे दे रही तो पूरी एनर्जी सक कर लेगी, फिर हम अपना काम कब करेंगे। तो मैंने परेशान, तो मैं सोचता रहा क्या करना, एक दोस्त में जगह ढूंढने लगा लाहौर में कहाँ रहेंगे हम लोग।
तो फिर एक से हमने सजेस्ट ही मेंटरिंग पूछा, सर हम जाए ना जाए, उनको पता था कि हम जा तो रहे हैं। उन्होंने कहा यार तुम लोग बहुत ज़्यादा कर सकते हो, तुम बिला वजह अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हो वहाँ जाके, तो उसको ही मना करो अपना स्टार्टअप करो। फिर हमने क्या किया कि हम चलो सही ठीक, हमारे पास उस टाइम एक क्लाइंट आ गया था अपवर्क के ऊपर, हम $15 per hour दे रहा था, तकरीबन 1.5 लाख बन रहे थे एक बंदे के, एक ही बंदे को उसने हायर किया था। हमने कहा चलो इस पर बिस्मिल्लाह करते हैं, क्या काम करते हैं, सब दोस्त अपनी भी कंपनी से रिज़ाइन कर दो, ठीक है, नीपा पे एक ऑफिस लेते हैं, 12,000 का किराया था उस टाइम पे, एक बॉटम ज़मीन का था, एक ही रूम था, टंकी भी नीचे ही रखी हुई थी उसी कमरे के अंदर। हमने कहा है सही है, 12,000 किराया था, 2-3 पंखे, मैं 2 पंखे ले आया था, दोस्त घर से डाइनिंग टेबल लेकर आ गया, कुर्सियाँ ले आए, और हमने स्टार्ट कर दिया, सही है। आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट ने एक और बंदा चाहा, 2 बंदे चाहे, 3 चाहे, 4 चाहे, ऐसे बढ़ता रहा। हमने फिर वो रूम वो रेंट पे छोड़ के दूसरे रूम में चले गए, फिर मैं AC लगवा लिया, वैसे आ गए, ठीक है। और हमारा ये एम था एटलीस्ट हमारे घर में 40,000 से 30,000 रुपये जाने, 40,000 रुपये जाने चाहिए ताकि घर चलता रहे, ठीक है। इस तरह हमने सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग या सॉफ्टवेयर हाउस खोला, ठीक है, करते रहे। हमारा एम ये नहीं था सॉफ्टवेयर हाउस खोलना, हमारा एम था ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो और आगे जाके हम लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सके, लोगों की मदद कर सके, ठीक है। हमने कहा ये अभी फंड नहीं है ना तो हम करते हैं काम, पैसे जमा करते रहे। फिर आगे मैं स्लाइड में बताऊंगा कि हमारे कुछ आइडिया है, एक आइडिया है फेल हुआ, दूसरा आइडिया है फेल हुआ, तीसरा आइडिया है फेल हुआ, चौथा आइडिया के वो चलने लगा, राइट। तो एक पूरी जर्नी है ये, जहाँ पे कोडिंग से लेके फिर मैं मार्केटिंग की तरफ आया लगा, फिर मैं ट्रेनर की तरफ आया लगा, मैं लोगों को बताया लगा भाई मैंने जो गलतियाँ की आप लोग ना करें। लेकिन इन दी एंड इन सब का ये है कि यार आप जो चीज़ सीख रहे हो ना इसको एटलीस्ट यूज़ करना स्टार्ट करो, ठीक है। बेशक आप चाहे वो आप जॉब पे टॉप पोजीशन पे जाना चाह रहे हो, चाहे अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हो, चाहे अपनी कंपनी खोलना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव हो। कोई आपसे पूछा मास्टर्स क्यों कर रहे हो तो आप बता सको भाई मास्टर्स मुझमें ये स्किल की कमी है, मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, या फिर मुझे इस पोजीशन पे जाना है, जैसे IBM मुझे प्रोफेसर बनना है तो IBM की रिक्वायरमेंट है मुझे MS करना ही पड़ेगा मिनिमम, तो मुझे ये करना पड़ रहा है इसलिए मैंने करा है। एटलीस्ट पता हो क्यों कर रहे हो, राइट। ये नहीं कि मैंने दो से मास्टर्स करा चलो मैं भी कर लेता हूँ, राइट। जिंदगी फारिग है, 2 साल में हो जाएगा मास्टर, चलो मास्टर्स डिग्री भी आ जाएगी, राइट। तो मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं इस टाइम के अंदर, 8 पॉइंट्स मेरे पास मोस्ट प्रॉब्ली हैं इस डेक के अंदर। अब मैं उन पॉइंट्स को क्लियर बताता रहता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। एंड में आपको सवाल था और सवाल पूछ सकते हैं, तो स्टार्ट सही है। अच्छा, पहला जो पॉइंट है ना, सबसे पहले वो पॉइंट ये है कि आपको पता हो कि आपको एक्साइटमेंट किस चीज़ से होती है, नो व्हाट एक्साइट्स यू। दुनिया में एक हैप्पीनेस तो ये होती है, खुशी ये होती है कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा स्मार्टफोन, लेटेस्ट कपड़े या कुछ भी, वो चीज़ जब आ जाती है आपके पास तो आपकी ऐसे ऐसे ना वो चीज़ खुशी कम हो जाती है। वो आईफोन पड़ा होगा वहाँ पर, एक हफ्ते के बाद में सोफे में पड़ा होगा, आपने बड़ा घर ले लिया, चलो एक महीने तक वाह वाह होगी, दूसरे महीने वही चल रहा है नॉर्मल, वो हैप्पीनेस का डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। एक हैप्पीनेस होती है जो आपको इंटरनल होती है, आपको पता होता है कि मुझे इंजीनियर, मुझे घर बनाने का शौक है, कंस्ट्रक्शन का शौक है, तो मुझे रोज सुबह उठ के मैं उठ के यार मैं उठूंगा इसलिए कि मैं नया आइडिया सोचूं, घर कोई कंस्ट्रक्ट करूँ, कोई किसी चीज़ के लिए जाऊँ उसके लिए। मुझे कोडिंग का शौक है तो मैं हर सुबह उठ के मैं एक्साइटमेंट उठूँ, यार आज नया दिन है, आज मैंने कोडिंग करके मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं ये चीज़ डेवलप करूंगा। किसी को राइटिंग का शौक है, वो चाहता है कि मैं इतना ज़बरदस्त राइटर बन जाऊं कि मैं जो चीज़ ज़िंदगी में हो रही हो लोगों की मदद कर सकूं लिखकर, मैं अखबारों में डाल सकूं, मैगजीन में पब्लिश कर सकूं। ये जो एक्साइटमेंट है ना, इंटरनल हैप्पीनेस, कि नोइंग व्हाट रियली यू नो इंस्पायर्स यू, मोटिवेट्स यू, इनर रिफ्लेक्शन, ये आपको कोई नहीं बता सकता सिवाय अपने आप के। आप कितने भी मोटिवेशनल सेशंस ले लो, कितने भी कोर्सेज ले लो सर सैयद के अंदर, ठीक है, पैसे दे के ले लो, अब कोई नहीं बता सकता कि बेटा आप ये अच्छा क्या है। और ये आपको खुद ही पता चलेगा एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आपको एक दफ़ा पता चल जाए तो आप ज़िंदगी में वही करोगे, इंसान एज के साथ चेंज होता रहता है, फिर वो चेंज करके किसी और चीज़ पर चला जाएगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया था कोडिंग के अंदर, कोडिंग की बहुत बड़ी दुनिया है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, बैक एंड लैंग्वेजेस है, ठीक है, CSS, फिर उसमें फोटोशॉप का भी टच थोड़ा बहुत करके सीखने लग जाते हैं। तो मैंने पहले स्टार्ट मैंने एथिकल हैकिंग से किया, मैंने कहा हैकर बनते हैं, बड़ा शौक चश्के चल रहे, हम हैकर बन गए, पूरी क्लास के हमने सिस्टम्स के अंदर हमारे पास एक सबकी पासवर्ड, सब
हमने एक चीज करी थी कि टीचर ने एक फाइल दी कि बच्चों को सी आर को बोलो सबको दे दे, मैंने फाइल मेरे पास आ गई, मैंने उसमें कुछ की बाइंडिंग सीख रहा था, की लॉगर सीख रहा था, मैंने उसको उस फाइल पर अटैच किया और उसको अनडिटेक्टेबल बनाया कि एंटीवायरस ना पकड़े, वो मैंने सी आर को दे दिया, सी आर ने सबको ई मेल कर दिया, सबने खोल के डबल क्लिक करा, सामने फाइल चल गई, पीछे मेरी फाइल चल गई, राइट। अब वो कीबोर्ड पे जो भी टाइप कर रहे हैं ना सब मेरे पास ई मेल होके आ रहा है, जिससे बात कर रहे हैं, जिसका पासवर्ड डाल रहे हैं, सब कुछ मेरे पास ई मेल हो रहा है। मेरा पर्पज सीखना था, सही है, कह सकते हैं, सही है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इंग्लिश की क्लास थी, उन्हें कहा था प्रेजेंटेशन करनी है, मैंने कहा चलो एथिकल हैकिंग पे करते हैं कि भाई आप किस तरह बच सकते हो। तो मैंने मल्टीपल बहुत सारे वेज दिखाए, आप ये तरीके दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। फिर मैंने एंड में ब्लर करके दिखाया, भाई देखो क्लास के आप सबके सिस्टम में रहे, ये देखो ये लॉग्स आ रहे हैं, ब्लर कर दिए नाम, देखो ये ऐसे बातें कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, ये पासवर्ड आ गया मेरे पास। उसके बाद से किसी ने मुझसे 4 साल में कोई फाइल ली नहीं आज तक, ना मेरी USB ली, ठीक है। लेकिन ये मेरा शौक था, इंतहा था, और फिर मैं इतना ज़्यादा घुस गया कि मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनके सिस्टम के लॉक्स होते हैं ना, जिन्होंने नेटवर्किंग वालों ने मतलब लॉक किया हुआ होता है, मैंने USB में अपनी लिनक्स डाल के वहाँ इंटीग्रेट सिस्टम में डाल के BIOS में जाके बूट करी और अपना पूरा सिस्टम बना के पूरा नेटवर्क देख लिया कि इन सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कहाँ से फाइलें जा रही हैं, IP एड्रेस तक पहुँच गया कि मैं किसी के सिस्टम घुस के कंट्रोल ले लूँ। फिर मैंने कहा अब ज़्यादा हो गया, बोर हो रहा हूँ, वो IPO नंबर्स आने लगे ना, प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग, टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें, तो मैंने कहा यार अब बस थक गए। मैं फिर आ गया फोटोशॉप के ऊपर, फोटोशॉप पे सीख के डिज़ाइनिंग करी अपनी, सबसे बंदा अपनी तस्वीर खूबसूरत बनाता है, वो बनाई, एडिटिंग करी, ये करा। 3 महीने बाद मैंने वापस फोटोशॉप आया, मैं उसके शॉर्टकट्स भूल गया, राइट, मैंने कहा शेर यार ये तुम बेकार चीज़ें मेरी कर रही हो। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आया। अच्छा, इन सब के अंदर आके ना मैंने अपने आप को, मैंने काम ऐसे किए कि मैं किसी दुनिया वाले को बता सकूँ ना कि उनको लगेगा मैंने कोई लेवल का काम करके छोड़ा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बीच में एक हफ्ते क्या छोड़ दिया, 6-8 महीने काम किया मैंने, राइट, इस तरह काम किया मुझे कोई हायर भी कर सकता था, राइट। फोटोशॉप के अंदर मैंने डिज़ाइन बना के लोगों को दिए, एडिटिंग करके लोगों को मैं दिए, पैसे आए मेरे पास। कंपनी के अंदर मैंने काम किया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आया, वेबसाइट्स बनाई बहुत सारी, इतनी सारी बनाई, होस्टिंग फ्री में होस्ट करता रहा, कभी बकरीद हो रही तो बकरे डाल दिए, हावर के तो बकरा कट गया, वो छोटा था ना तो ऐसी हरकतें करने लगा, राइट। वेबसाइट्स बनाने लगा था बहुत सारी। इसके बाद मैं बोर होकर फिर फ्रंट एंड में अच्छा आया, फिर बैक एंड में जाने लगा, फिर मैंने हॉस्पिटल में काम किया ज़ियाउद्दीन के अंदर, वहाँ पे बैक एंड में काम करने लगा। तो अपनी लाइफ के अंदर मैं हर चीज़ में जाके एक लेवल पे काम करके छोड़ा मैंने। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी स्पीकर बन गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे एज ए कम्युनिटी स्पीकर बनाया, नोकिया डेवलपर चैंपियन बन गया फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था, हर साल मुझे नई डिवाइस मिलती थी, कोई ना कोई ले लो फिर के अंदर, कर पैसे मिलते थे कंडक्ट करने के लिए वर्कशॉप्स, तो नोकिया डेवलपर चैंपियन बन गया। अभी मैं फेसबुक डेवलपर लीड हूँ कराची का, ठीक है, तो उनके लिए मैं वॉलंटरी काम करता रहता हूँ, टेक्निकल डेवलपमेंट एक ग्रुप है फेसबुक का ऑफिशियल, तो फेसबुक का ऑफिशियल लीड हूँ कराची का, कोई वर्कशॉप्स होनी होती है मैं करवा रहा था, अभी तो कोविड आ गया तो ऑनलाइन चला गया, वरना हम लोग हर यूनिवर्सिटी में जाके वो पेमेंट करते थे, फंडिंग करते थे, सारी हम यहाँ पर करवाते थे। तो ये मेरी एक साइड था जो कि मैं लोगों के लिए करता था ताकि उनको सिखा सकूँ कुछ, ठीक है, और मेरा पर्पज था ही सिखाना था, तो मुझे इन ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया। अब जाके मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का शौक है, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, टिकटॉक किस तरह वायरल हो सकते हो अच्छे तरीके से, राइट, इंस्टाग्राम, इसके हैक्स। अब मैं US8 के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करा रहा होता हूँ कि यार किस तरह जो मार्केटिंग के बंदे उनको ट्रेन कर रहा होता हूँ किस तरह और अच्छी मार्केटिंग करें, राइट। तो मेरा शौक सारा सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ चला गया। तो मेरा पॉइंट बताने का मकसद ये है कि आपको जो पता चलेगा आप किसमें अच्छे हो तो ज़रूरी नहीं हो हमेशा रहे, लेकिन आपको ये आपका काम है फिगर आउट करना। हम जब छोटे होते थे हमें ख्वाब, हम स्कूल में होते थे तो कैसे येलो डे होता था, रेड डे होता था, ब्लैक डे, हम कपड़े पहन रहे हैं, फैंसी ड्रेस पार्टीज हो रही हैं, हम कुछ भी बन के चले जाते थे, राइट। और हम बनते थे, हमें कभी ये नहीं होता था कि यार दुनिया में क्या कहेगी, राइट, जज करेगी नहीं करेगी। अब आप सोशल मीडिया में कोई पोस्ट करो 100 दफ़ा सोचना पड़ता है यार मेरे दोस्त क्या बोलेंगे मुझे, कोई ज़िंदगी में आपको वही 3 मिनट्स वाली बात, फोटोग्राफर बनना है वो टेंशन हो गया, अम्मा अब्बा क्या बोलेंगे, मेरे मामा चाचा क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा मसला। और अपना स्टार्टअप करने में मेरी फैमिली को समझ में नहीं आया था 4 साल के अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ करता है सभी बस फेसबुक में आ जाता है। इट डिपेंड्स व्हाट दे वांट, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। सही, कुछ फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स ने कहा कुछ भी बनो बस इंसान के बच्चे बने रहना, तो अल्लाह का शुक्र है ये था कि उनको ये नहीं था मैं बेटा कोई डिग्री ले लें,
रहे, बस इंसान रहे, झूठ ना बोले, सच्चा रहे और ये हरकतें ना करे फजूल, राइट। तो ये एक अच्छी सपोर्ट थी, मतलब इतना भी, और मैं भी टेंशन में आता था यार ये मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे बनने को, मुझे खुद मुझे बनना है। एक होता है ना कि माँ बाप बोले इंजीनियर बन जाओ, आप इंजीनियर बने फेल हो गए, आपने तो बोला था, एक कंधा आ गया बोलने का, ब्लेम करने का, यार आपकी वजह से तो हुआ ये। अगर माँ बाप ही नहीं बोले, बोले जो बनना है बन जाओ, आप टेंशन में आ चुके, यार अब मुझे क्या बनूँ, क्योंकि आप अगर आप फेल हो गए तो आप बोलेंगे बेटा आपको तो कहा था जो बनना है बन जाओ, तो आप फेल हो गए, राइट। तो उस दौर को याद करो जब आपके पास ऑप्शन थे फुल क्रेजी होने के, ठीक है, जो लोग आपको जज ना करें। नहीं भाई मैं आईडी इंडियन स्कूल में पढ़ा है कतर के अंदर ना, बेसिक एजुकेशन, तो उस स्कूल में फैंसी ड्रेस पार्टी में ये कवाल था, कवाल बन गया, पूरी अपनी कवाली करी शो में, पूरा स्टेज जो अपने कवाल बना दिया, अब कवाल लग रहा है ये, सही है, मैं सेंटर वाला ही हूँ, ये मेन कवाल ही बना दिया था मुझे, कवाल ही कर रहा था मैं, सही है। बड़ी ऑडिटिंग चेक कर रहा था उन्होंने कि कौन एक्टिंग अच्छी कर सकता है। फिर फैंसी ड्रेस पार्टी में टीपू सुल्तान बन गया, अब मैं देखता हूँ तस्वीर को नजर आते हैं लिपस्टिक भी लगी हुई है, पता नहीं वहाँ सब में लगा दी, राइट। मेरा पर्पज़ ये है कि यार जब हम इतने क्रेजी होते थे आइडियाज़ में, तो अब क्यों हम भी ठंडक ठंडे हो गए, राइट। सो फिगर आउट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। यार इंजीनियर्स इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना, छोटी मोटी चीज़ें बना के उसको प्रोडक्ट बना के बेचना स्टार्ट कर रहे थे। एक हल्का सा पानी का टंकी का मसला जो होता है ना, भर जाती है पता नहीं चलता, उसके उन्होंने पूछ बनाए, ज़ेहर इमरान है लाहौर के अंदर होते हैं, बहुत बड़े इंजीनियर ऐसे छोटी मोटी चीज़ें बना के बेचते रहते हैं, ऑनलाइन फेसबुक पर डालते हैं, किसी को चाहिए लोग बोलते हैं हमें चाहिए, उसको उनको बेचते हैं, घर में बनाते हैं चीज़ें छोटे, फिर ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर्स करे, दो तीन बंदे बुलाए अपने स्टूडेंट्स को, घेरा बनाया, बेचना स्टार्ट कर दिया, राइट। इट्स अ सोल्यूशन, दे फाइंड अ प्रॉब्लम, क्रिएट अ सोल्यूशन, स्टार्ट सेलिंग इट, राइट। सो फाइंड, और ये मत कहा करो यार तुमने चिप्स लगा लिए तो लोग मजाक उड़ाएंगे, राइट, कोई कुछ काम करने लगे मजाक उड़ाएंगे, बहुत सारे लोग इसको ही ब्रांड बना लेते हैं। सेकेंड, अब जो स्टार्टअप है ना, कोई अगर अपना बिजनेस करना चाहता है तो एक एक रोलर कोस्टर राइड है ये। रोलर कोस्टर राइड क्या होती है, वो ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ठीक है। तो ऊपर जाने का मतलब खुशियां हैं, नीचे आने का मतलब गम है, सही है। और वक्त के साथ साथ ना ये मसल, ये स्टीप डीपर होता रहता है। शुरू में अगर जैसे अपने स्टार्टअप करते हो, कंपनी करते हो, ऑफिस में जाते हो, छोटी पोजिशन है, लेट से जूनियर डेवलपर हो, जूनियर इंजीनियर हो, ठीक जो भी है, तो कोई सुनाएगा वो गम कम होगा, तरक्की हो जाएगी, कोई क्लाइंट कस्टमर आ गया खुशी बढ़ जाएगी, राइट। फिर ऊपर जाओ, फिर कोई दुख होगा ज़्यादा डीप हो जाएगा, फिर खुशी की ज़्यादा हो जाएगी, कोई लीड सीनियर डेवलपर बन गए, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, कंपनी में कोई नाम हो गया, लोग पहचाने लग गए, तो एकदम से कोई हिट हुआ अगर, कंपनी बंद हो गई तो एकदम डीप आएगा डिप्रेशन, राइट। सक्सेस होगी तो एकदम डीप आएगा। तो ये जो डीप होता है ना, यहाँ पर आपको संभालना बड़ा जरूरी होता है। याद रखो ये डीप वक्त बढ़ता रहता है। अभी अब गम होगा, जैसे स्टार्टअप है, स्टार्टअप में रेज कर लिए $100,000, हाँ कर लिए माशाल्लाह गुड, नहीं स्कूल से आओ ना, स्कूल में आप आए क्लास में फर्स्ट, तालियां बजाएंगे सब, अगले साल फिर फर्स्ट आ गए, क्या हुआ, फिर पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गए, सब तालियां बजाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन फेसबुक पे करेंगे, अगले साल फिर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गए, क्या हुआ, नेशनल लेवल में कराची में फर्स्ट आ गए, सब तालियां बजाएंगे, राइट। फिर फर्स्ट आते रहते हो, सब बोलेंगे तो क्या हुआ, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके फर्स्ट आओगे, सब तालियां बजाएंगे, फिर कॉम्पीट किया हार गए, उनके अभी हार गया, दुख ज़्यादा होगा इंटरनेशनल लेवल पे, फिर आप फर्स्ट आ गए, उनके हाथा रहता है ये, फिर आपने कुछ रेस किए फंडिंग, 100,000 बड़ी बात है, 1,000,000 अच्छी बात है, राइट। ये रेस है कंटिन्यूस, और ये रोलर कोस्टर राइड खतरनाक होती रहती है वक्त के साथ, मोर स्टीफ, ठीक है। जब ही तो है कि गोरे जब इतना सक्सेसफुल हो गए, एकदम से कोई झटका लगता है तो यहाँ पे आके निकल लेते दुनिया से, राइट। हमारे पास ये होता है कि कुछ कुछ दीन का है कि यार चलो एक उम्मीद है, एक सुबह एक आएगी जो कि थोड़ी सी ब्राइट होगी, हम थोड़ा सर्वाइव कर लेते हैं, यार चलो क्या पता अगले दिन अच्छा हो, राइट, क्या पता अभी मसले आ गए कि अच्छे हो जाए, हम सर्वाइव करते हैं। तो और मसला ये है कि जो एक बड़े आलिम ने कहा था कि जो जितना वाइज होता है, जितना इल्म रखता है, विजडम वाला इल्म, विजडम जो होती है, उसको उसको डिप्रेशन ज़्यादा होता है, सही है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि यार ये लोग भी परेशान हैं, इनको खाना नहीं मिल रहा, इनकी मैं कैसे खिदमत करूँ, सड़क टूटी हुई क्यों नहीं सही हो रही है, लोग क्यों ऐसे भूखे मर रहे हैं, क्योंकि वो शऊर उसका बहुत ऊपर चला गया, वो अपने तक नहीं सोचता। और कुछ होते हैं बोलते हैं यार मैं खाऊं, मैं बोलूँ चलो गुड है यार, चलो यार कुत्ता पाल लें, बिल्ली पाल लें, चलो वो मर रहा है मरे, कोई इसमें बुरा अच्छा नहीं है, अगेन
सबका लेवल है, ठीक है। तो ज्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं शऊर वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो अगेन स्टार्टअप इज अ रोलर कोस्टर राइड, तो अगर आप अपनी कंपनी करना चाह रहे हो कुछ भी करना चाहिए, याद रखो ये बढ़ता रहेगा, नीचे आएगा, बढ़ेगा, नीचे आएगा, और आपको अपने आप को संभालना है इसके, ठीक है। अपने मोटिवेशन दोस्त रखने साथ जो आपको सपोर्ट करते रहे, बताते रहे उसके बारे में। तो मेरे 3 स्टार्टअप्स थे, ठीक है। चौथा है सोशल जैम, ठीक है। पहला स्टार्टअप था गेमो चैट। गेमो चैट क्या था, अगर YouTube पे सर्च करो वीडियोस आएंगी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जीत चुका है माइक्रोसॉफ्ट का इमेजिन कप कॉम्पिटिशन जीत चुका है, बड़े कॉम्पिटिशन जीते हैं। कॉम्पिटिशन जीतना इज नॉट कन्फर्मिंग दैट यू आर सक्सेस इन अ स्टार्टअप, ठीक है। वो सब शशके होते हैं, राइट। असल आप स्टार्टअप लॉन्च किया, अच्छा हमने स्टार्टअप क्या था, उस टाइम पर याहू चैट रूम होते थे, याहू चैट होते थे, लोग बातें करते थे, मिलकर गेम खेलते थे। हमने कहा जब बंद होने लगा, हमने कहा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे आईफोन वाला एंड्रॉयड से गेम खेल सके। उस टाइम पर नया नया था ये कि एंड्रॉइड वाला आईफोन के साथ कैसे गेम खेलेगा और एंड्रॉइड वाला वेब वाले के साथ कैसे गेम खेलेगा। तो हमने कहा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आईफोन एंड्रॉइड वेब, और उस जमाने में विंडोज 8 भी नया नया आया था, वो चलो विंडोज 8 पे भी बनाए थे। तो नहीं क्या सोच रहे थे, चारों प्लेटफॉर्म पे गेम बना रहे हैं, एक यूनिफाइड एनवायरमेंट। हमने कहा इसके अंदर करेंसी होगी वर्चुअल, इसमें हम लूडो डालेंगे, लूडो स्टार जो है, चेस डालेंगे, टिक टैक और 4 गेम हमें डालेंगे, लोगों के लिए ओपन करेंगे, लोग अपने गेम इस प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे। हमने बड़ा सारा आइडिया सोच के ना इम्प्लीमेंट करा, यूट्यूब वीडियोज बना दी, इम्प्लीमेंट होने लग गया। लाहौर के अंदर लम्स यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ भी जीत गए। हमने कहा लम्स में इंक्यूबेट हो जाए, मतलब लम्स के अंदर आप स्टे कर लें 3-4 महीने के लिए। हम वहाँ पर नहीं हुए, हमने कहा नहीं यार एक प्लेटफॉर्म यूनिटी आ गया उसका कॉम्पिटिटर। हमने इस प्रोडक्ट पे तकरीबन 3 साल काम किया, कितने 3 साल, और हमने लॉन्च ही नहीं किया उसको, बंद कर दिया, सही। क्या मसले थे उसके अंदर, हमेशा जब भी प्रोडक्ट बनाओ ना क्रिएट MVP, इसको कहते हैं मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। MVP क्या होता है, एक छोटा कोर बनाओ जो चल रहा हो, बाकी सब छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल हमने जो प्रोडक्ट बनाया गेम ऑन चैट, हमने 1-1 महीना लगाया इसका नाम सोचने में, 1 महीना लगा रहे इसका लोगो सोचने में, 1 महीना लगा रहे हैं इसका डिज़ाइन कलर थीम क्या होगा, और हमेशा सोच रहे हैं प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट होगी तो लॉन्च करेंगे इसको। ऑलवेज रिमेंबर दैट जब भी आपको लगे ना कि प्रोडक्ट परफेक्ट है टू लॉन्च, इट्स यू आर ऑलरेडी टू लेट, अ प्रोडक्ट विल नेवर बी परफेक्ट, सही है। सो वी क्लोज द प्रोडक्ट इंटायरली। अब मैंने अपने दोस्त को फाउंडर को बोला था यार कि यार इसको लॉन्च करके ही बंद कर दो, तो बोला समीर 1 महीना और लगेगा। मैं कहा छोड़ो बंद कर दो यार, तो ये वीडियोस काफ़ी हैं उसकी, ठीक है। तो गेम ऑन चैट, अच्छा ये जितने स्टार्टअप जो फेल हुए ना, ये नहीं कि हम बहुत अमीर अमीर लोग हैं, पैसे वैसे बहुत आ गए थे तो बस फेल होगा, मसला ही नहीं है। इसके साथ साथ हम लोग एक और कंपनी चला रहे थे सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, विच इज ओजल सिस्टम्स। मैंने शुरू में कहा था थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया था और हमें जगह किराए पर नहीं थी और ये सब कुछ, तो हमने सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी करते थे। 60% हम सैलरीज में लेते थे, 40% रख देते थे कंपनी के अंदर ताकि हम इनमें इन्वेस्ट कर सकें, टाइम लगा सकें, इसको बना सकें। तो जब भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लंबा हो जाता था बनाने के लिए। सेकंड है एजुकेटिंग ड्रीम्स। अब एजुकेटिंग ड्रीम्स क्या था कि एजुकेटिंग ड्रीम्स के अंदर मैं कराची यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हुआ था और बस का इंतज़ार कर रहा था, और G17 आती थी उस टाइम पर, G17 में सिल्वर जुबली गेट के सामने, तो वहाँ वेट कर रहा था बस के लिए। इवनिंग के अंदर था मैं, इवनिंग प्रोग्राम के अंदर 8:30-9 बजे छुट्टी होती थी, एक सर मदर समी होते पढ़ाते थे हमें वहाँ पे, बस 8:30-9 तक पढ़ाते थे, सब पॉइंट निकल जाते थे, बस सर पॉइंट जा रहे नहीं बैठो पढ़ो बेटा। तो बस का वेट कर रहा था, फारिग था मैं भी, मेरे दोस्त भी था, तो एक बंदा मांगने वाला बच्चा आता है, बोलता है कि सर बोलता है पैसे दे दो पैसे दे दो, बच्चा होता है छोटी बहन होती है उसकी। अब मैं फारिग तो था, मैं कहा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, मैं कहा यार वो फिर, मैं कहा तुम तुम्हारे अम्मी अबू हैं नहीं है, तो बोला नहीं है, मैं कहा नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, है बताओ कहाँ है, तो बोल रहे हैं कि यार अबू मेरा सब्जी बेचते हैं, अम्मी मेरी काम करती हैं। मैं कहा अच्छा बात करने लगा, मैं कहा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तो बोल रहा है, फिर उसकी बहन इंटरप्ट करके बोलती है एग्जैक्ट वर्ड्स बोलती है, पढ़ाई तो अमीरों के लिए होती है साहब, सही। अब मैं मिडिल का, मैं कहा यार हम कौन से इतने अमीर हैं, राइट। अच्छा हमें पता है कि कुछ NGOs और स्कूल्स हैं जो कि इन बच्चों को पैसे देते हैं, किताबें देते हैं और कपड़े भी देते हैं पढ़ने के पढ़ाने के लिए, लेकिन उस टाइम में मुझे ही नहीं पता था कहाँ पे कौन से ऐसे स्कूल हैं, कहाँ आप एग्जिस्ट करते हैं, बस पता है हैं, ये नहीं पता कहाँ है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पे इन जैसे बच्चों को हम आइडेंटिफाई करें, NGOs को बुला लूँ, एक एग्रीगेटर हो जहाँ पे स्कूल्स पता हो और ये लोग हम रिपोर्ट करके बच्चों को वहाँ पे हम स्कूल में भेज सकें,
राइट, इस प्रोडक्ट पे काम किया, इनका बनाया, कॉम्पिटिशन जीत गया, एंड्रॉइड पे भी आया, वेब पे भी आया, पूरा बना दिया हमने ना कि बच्चा आया, इसको तस्वीर खींचे, रिपोर्ट करें कहाँ से पकड़ा गया बच्चा, मतलब कहाँ था ये, और एनजीओस को बुलाया, TCF ये बड़े बड़े, और इनको उठा सके, ये बनाया। एक बहुत बड़ी एनजीओ के पास गए, नाम नहीं ले रहा मैं, ओके रिकॉर्ड हो रहा है, एनजीओ के पास गए तो हमने उनको बोला हमने प्रोडक्ट बनाया है जो बहुत ज़बरदस्त है, उनके काम करें, हमने एक एक बच्चे को नहीं उठाते, हम स्कूल खोलते हैं एकदम से, कि आपने बता दिया कि यार 10-15-20-200 बच्चे यहाँ पे हैं, हम स्कूल खोल देंगे, हमें ऐसा बताया हम डेटा, हमने कहा ठीक है हम यहाँ पे हीट मैप बना देंगे, एक मैप इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो जो जहाँ से रिपोर्ट करेगा ना मैप में उसकी प्लेसमेंट आ जाएगी, तो वहाँ पे हीट मैप के थ्रू बच जाएगा कहाँ से बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ स्कूल खोल लिएगा। हमने कहा ठीक है, हमने एक महीने का टाइम लिया, पूरा प्रोडक्ट बनाया, हम वापस गए, राइट, हमने कहा यार ये प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि यार इस प्लेटफॉर्म में हम अकेले आना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर अस होनी चाहिए। तो हमने कहा आपके लिए क्यों हो गया खाली, ये तो और भी होना चाहिए। नहीं नहीं खाली हम होंगे, तो हम होंगे तो आएंगे खाली, वरना और भी नहीं हो सकता। हमने कहा ये तो नहीं हो सकता। फिर हमने उस पर फिगर आउट किया कि यार अगर एक कंट्री में जहाँ पे शीप और एडी जिनका मिशन और विजन है एक ज़िंदगी बचाना चाहें, राइट, और वो कोलैबोरेट नहीं कर सकते, एक बंदे को यहाँ हार्ट अटैक वहाँ पे आ गया, शीपा करीब है, एडी दूर है, और एडी को कॉल आती है, वो एडी शीपा वाले को बोल देगा भाई तुम जाके उस बच्चे को बंदे को उठा लो कि आप तो बच जाए, जब इनकी कोलैबोरेशन नहीं हो रही और विजन इनका यही जान बचाना, तो यहाँ मैं अभी इतना छोटा कैसे फंडा करूँ मोनोपोली से, राइट। तो मैंने कहा यार अभी तो पैसे वैसे है नहीं, जब हम बड़े होंगे ना हम खुद ही फंड करेंगे इसको, राइट। तो हमने शायद वो वीडियो बनाया, कॉम्पिटिशन बनाया, उसको पॉज कर दिया। तीसरा रिमाइंड्स ऐप, ऑफिस में एक लड़का था, एक दोस्त था मेरा, जो कि पानी की बोतलें भूल गया और घर नहीं लेके जाता था। मैं उसको कहता था यार तू घर ले जाए इसको, भाई क्यों रोज़ ऑफिस में भरा हुआ है, ये ख़राब लगता है पड़ी हुई बड़ी बड़ी बोतलें। तो बोले यार तू मुझे याद दिला दिया करो। अब उसको याद दिलाने के मैं कहा मुझे कौन याद दिलाएगा कि मुझे उसको याद दिला रहा है, राइट। तो उस टाइम पर हमने एक प्रोडक्ट बनाया रिमाइंड ऐप कि यार मैं एक सेट कर दूँ इसके ऊपर, जब व्हाट्सएप पर डबल टिक नहीं आया था ब्लू वाला, उस ज़माने की बात है, राइट। हमने कहा ये IVS ये एक नोटिफिकेशन होगी है इमरजेंसी कि उसके पहले नोटिफिकेशन जाएगा, ऐसे पुश नोटिफिकेशन, उसने उसका जवाब नहीं दिया उसको SMS जाएगा, उसने उसका जवाब नहीं दिया तो IVR कॉल जाएगी कि भाई सब्जी ले आओ या पानी की बोतल ले जाओ। एक पूरा नोटिफाइड सिस्टम बना दिया हमने। और हमने कहा कि यार कि फॉर एग्जाम्पल फेसबुक के इवेंट्स होते थे, लोग कहते थे 200 कहते थे कि यार कमिंग टू द इवेंट, इवेंट के दौरान खाली 50 लोग बैठे होते थे, तो इससे कन्फर्मेशन मिल जाएगी लोगों की कितने लोग वाकई में आ रहे हैं बिफोर द इवेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने बहुत सारे यूज केसेस निकाल लिए थे इसके। हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया नेस्ट आयो इंक्यूबेटर, राइट, वहाँ पे हम इंक्यूबेट भी हो गए, आइडिया सेलेक्ट हो गया, 3 महीने वहाँ भी रहे, आइडिया बनाया, iOS एंड्रॉइड पर लॉन्च कर दिया, अभी वेबसाइट भी होगी reminders.com करके, राइट। लॉन्च भी शशके वाला किया, ब्लॉगर्स बुलाए, वो क्लैब लाया बड़ा सा, सही है, नेस्ट आयो के अंदर ही मार्केटों से कहा ट्वीट करो, वो सब किया। तो उस टाइम पे एक इन्वेस्टर आया, बहुत बड़ा इन्वेस्टर था, नाम ले रहा, वो आए, उन्होंने मुझसे कहा कि यार समीर ये नोटिफिकेशन है देखिए इसको तुम ईमेल एग्रीगेटर बना दो, कि सारे मेरे पास 3-4 अलग अलग जगह पे ईमेल्स चलते हैं तो मेरे पास एक जगह ईमेल सारी आ जाए, तुम अगर ये बना दोगे ना इसको कन्वर्ट कर दो मैं तुम अभी चेक काट के दे देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरा विजन ही नहीं ये करना, अगर मैं आपकी बात सुनूंगा तो इसका मतलब आपने मुझे एम्प्लॉय कर लिया, अब आप मुझे बता दे रहे हो क्या करना है, आप मेरे बॉस थ्री हो, कंपनी तो मेरी है, मेरा विजन है कि भाई मुझे इसको नोटिफाइड सिस्टम में लेके जाना है, ईमेल में तरफ लेके ही नहीं जाना, हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ी सेम है लेकिन थोड़ा सा इधर उधर है, अगर ये तो नहीं हो सकता। फिर मैंने सोचा चलो एक काम ये करो कि तुम अगर मेरे पास 5,000 यूनिक यूजर्स लेकर आ जाओ ना इन मंथ तो मैं चेक काट के दे देता हूँ। अरे डन सर, ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा। अब हमने लॉन्च की डेट बनाया, इन्वेस्टर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, लॉन्च किया, 500 डाउनलोड्स हुए, 5,000 नहीं हुए, हाले में चलो यार 500 हैं और लोगों से पुश करवाते हैं। अब मैं कह यार 500 डाउनलोड मैटर नहीं करता, रिटेंशन नंबर मैटर करता है। रिटेंशन क्या होता है, कितने लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। डाउनलोड से मैं किसी को पैसे दे के करवा दूँ 10,000 चाइना में किसी कंपनी को, कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मैटर करता है, राइट। तो मैंने कहा चलो एनालिटिक्स देखते हैं। पहले 20% लोग इस्तेमाल कर रहे थे, 15%, अगले दिन 10%, अगले दिन 5%, अगले दिन 3%, अगले दिन 1%, और अगले दिन 1-1 पे चलता रहा। मैंने कहा एक बंदा कौन है इसको पढ़ते हैं स्टडी करते हैं ताकि हम इसके लिए ऐप बनाएं, राइट। देखा तो हमारे ऑफिस के अंदर टेस्टिंग करता था नहीं तो
कोई नहीं करता इस्तेमाल उसको, राइट। अब हमने कहा ऐसा मसला क्या हुआ, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। फिर रियलाइज हुआ कि जो आप एक नई ऐप बनाते हो ना, ये किसी का लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हो। अभी आप सबके पास फेसबुक की ऐप है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, स्नैपचैट, इतनी ऐप्स हैं। अब एक और ऐप लेकर आ जाओ किसी की जिंदगी में, उसको इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है, राइट। आपका आइडिया, आपका स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए, खुदा ना खासा किसी को शुगर होती है ना, उसको रोज गोली खानी पड़ती है, नेसेसरी है। एक होता है विटामिन, खाया खाया नहीं खाया मसला नहीं है। तो कोई स्टार्टअप ना, वो गोली होनी चाहिए, इसको रोज खानी पड़े। जैसे आप लोग फेसबुक रोज खाते हो, इंस्टाग्राम रोज खानी पड़ती है आप, राइट। इसी तरह आपका स्टार्टअप आइडिया विटामिन नहीं होना चाहिए, अभी खाया एक हफ्ते बाद छोड़ दिया, ठीक है। तो वो आपको आइडिया होना चाहिए, इट शुड बी मस्ट टू हैव, नॉट गुड टू हैव। हमारा प्रोडक्ट भी ऐसा था कि लोगों ने कहा चलो इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा मसला हमने ये किया, लोग कहते सर्वे करो सर्वे करो सर्वे करो, लोगों से पूछो इस्तेमाल करना है नहीं करना, राइट। हमने कहा ये करते हैं, हमने रिमाइंड ऐप के अंदर बनाने से पहले हमने कहा सर्वे करना चाहिए। हमने स्ट्रेंजर्स, दोस्तों से नहीं, 100 अलग अलग लोगों से पूछा, आप इस ऐप, ये आइडिया है हमारा, आप इसको इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे। 80% लोगों ने कहा हम इस्तेमाल करेंगे, आई थिंक 60-70% ने कहा हम इसके लिए पैसे भी देंगे। हमने कहा यार जैकपॉट आ गया, ठीक है। मतलब आपको कोई आइडिया, 30-40% भी ऊपर लोग कह रहे हैं इस्तेमाल करेंगे, आप बोले चलो इसमें पोटेंशियल है, 60-70-80% मतलब तबाही कर देगा आइडिया ये, राइट। तो हमने ये किया, बाद में रियलाइज किया हमारे पाकिस्तानी, सही है। अब हम झूठ नहीं बोलते, चाहे हम झूठ बोल देते हैं ताकि दिल ना टूटे किसी का। अब कोई बंदा जा रहा हो ना, बंदी जा रही हो, आपसे आपके पास आगे पूछा, मैं दोस्त आपसे पूछे क्या मैं कैसा लग रहा हूँ, बड़ा सॉलिड लग रहा है, क्या जीन्स पहनी है यार जबरदस्त, तो जाएगा हमें कैसा भावला लग रहा है उसके सामने तारीफ कर देंगे उसकी, तो दिल ना टूटे, राइट। हमेशा लगता यही हुआ। अब मैं लोगों से पूछा आइडिया कैसा है, ये कैसा है, बहुत गुड, नाइस नाइस नाइस। ए बाद में जाके जब देखा रिटेंशन, तो लोगों ने इस्तेमाल ही करना छोड़ दिया, राइट। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ता है यार। अच्छा फिर हमने फिगर आउट सोल्यूशन किया इसका, हमने कहा हमें ये करना चाहिए था, सर आपको पसंद तो आ गया ना, जी आ गया, आपके लिए हम 60-80% डिस्काउंट देंगे, आप मुझे 200 रुपये दे दें या 50 रुपये दे दें, जब लॉन्च होगा आपको हम पहले से कस्टमर बना रहे हैं, प्री बुकिंग कर लो ना उसकी। अब जब बंदा 50 रुपये निकालेगा ना जेब से, जब मसले बताएगा यार इसमें ना ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, तो उसके लग रहे हैं पैसे, ठीक। जब भी आप पैसों की बात करो, तो जब भी एडवाइस ये है कि कोई भी आइडिया हो, कोई भी सर्वे हो, आप लोगों से प्री बुकिंग ले लो पैसों की, यार आप एडवांस देते हैं सर, आपको पसंद आया ना एडवांस दे दो, 5,000-2,500 आपके लिए सर, हम फर्स्ट कस्टमर हैं आपके लिए, हम 50% डिस्काउंट करेंगे, 3 महीने तक रहेगा, साल के लिए डिस्काउंट रहेगा, ताकि आप पैसे निकलवाओ उनसे, नहीं दे रहा पैसे, आपका आइडिया अच्छा है। डिपेंड करता है कि सेल्समैन, देखो डिपेंड करता है आपका आइडिया कितना अच्छा है। तो अगर आपको आइडिया की वाकई नहीं थे, बहुत सारे मेरे जानने वाले स्टार्टअप्स हैं जो जिनको कंपनी ने बैठ के पूरा आइडिया चेंज करवाया है, उनके लिए वैसा फिजिबल था, और उन्हें फिर करा क्योंकि उनको अंदर के पेन पॉइंट नहीं पता थे। भाई अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आपको अंदर की पेन पॉइंट्स नहीं पता, आप खुद इंजीनियर बैकग्राउंड है, तो क्या उसको बदलोगे, तो आप उनके पास जाके बोलोगे ना मेरा सोल्यूशन है ये, तो आपको बताएंगे ये आप कर सकते हो, राइट। तो चेंज करते हैं। खैर तीसरा, मेक गुड पॉइंट्स एंड कम्पीट, मेक गुड फ्रेंड्स एंड कम्पीट। मसला ये होता है कि किसी से बात करो यार कि आप अपना कंपनी कर लो, स्टार्टअप कर लो। मेरे साथ जो मेरे को फाउंडर्स हैं ना, मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, सही है। तो यूनिवर्सिटी में मैंने साथ पढ़ा, हम सारे को फाउंडर्स, दो और को फाउंडर्स हैं, हम सारे स्टार्टअप में साथ ही फेल हुए, सब कुछ साथ साथ किया, ये अच्छे दोस्त हैं, वही मेरे दोस्त। तो आपसे किसी से पूछा जाए कि यार आप कंपनी क्यों नहीं कर सकते, कोई बड़ा कंपनी क्यों नहीं खोल सकते हो, कोई आइडिया क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो, मेजर लोग कहते हैं कोई साथ है ही नहीं, कोई मार्केटिंग का बंदा नहीं है, बनाने वाला नहीं है, बेचने वाला नहीं है। मसला हमारे साथ ये नहीं कि हमारे साथ दोस्त अच्छे नहीं है, मसला ये कि हम खुद अच्छे नहीं है, राइट। और आप कोई फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी देखते हो, कोई लेटेस्ट मूवी बताओ, कोई देखी हो किसी ने, तो किसी ने मूवी देखी है लेटेस्ट, ओके चलो किसी उर्दू गोल देख रहे हो, सही। तो
सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फेसबुक पे जाते हैं, लिखते हैं वॉचिंग ऋतुकुल, सिनेमा चले जाते हो, लेट्स से सिनेमा जा रहा है, मूवी देखने जा रहा है, लिखते हैं वॉचिंग अवेंजर्स, दोस्तों के साथ टैग वैग करके बताए शशके आ जाए और फेसबुक पर कूल बॉयज, राइट राइट, दुनिया को बताने के लिए। कोई आप में से कोई कोर्स कर रहा हो, कोडिंग का, फोटोशॉप, जावास्क्रिप्ट, ऑटोकैड, इंजीनियरिंग का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीन मेथोडोलॉजी, एजाइल, स्क्रम, राइट, कोई फेसबुक में जाकर लिखता है लर्निंग एजाइल, लर्निंग स्क्रम, ठीक है यार, लेकिन यार दुनिया वाले बोलेंगे सब पागल है, पागल है, सब ख्वार है, नहीं करते। हम अपने दोस्तों को भी कभी कभी नहीं बताते, बोलते हम अपने दोस्त को सरप्राइज करेंगे, जो भी सब कुछ आ जाएगा ना, सर्टिफिकेट आ जाएगा कि देख अरे भाई ने किया है। अब वैसे कितने लोगों ने वीडियो ट्यूटोरियल डाउनलोड किए, वीडियो ट्यूटोरियल आपने किए, कौन सा कोर्स था? PLC, उसमें कितने वीडियोस थे कोर्स के अंदर? अब मैं सारी देख ली, तकरीबन नहीं 100% देखी, माशाल्लाह। मैं जितने लोगों से सवाल करता हूँ ना, वैसे 99% ये 1% में से 99% लोग ये कहते हैं कि हमने आधी देखी है छोड़ दी, ये हमारा मोटिवेशन खत्म हो गया। हमने स्टार्ट किया वीडियो ग्राफिक्स, ग्राफिक्स सीखना फोटोशॉप, 12 चैप्टर थे हमने, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, उस पर आता हूँ मैं, वही बात करने वाला था कि अगर आप अकेले करते हो ना कोई चीज़, फोटोशॉप कर लिया, जावास्क्रिप्ट कर ली, उस वक्त आपका फुल सॉलिड मोटिवेशन लेवल है, फोटोशॉप दुनिया का बेस्ट फोटोशॉप डिजाइनर बन रहा है, 6-7 कोर्स करे दोस्त आया वो मुश्किल हो जाएगा, दोस्त ने बोला क्या कर रहा है यार तू, ये सीख लेना यार, ये अच्छा कोर्स चल रहा है, सर सीधे नया कोर्स आया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आ जाओ, चलो भाई सर से चलते ये करते, हटाया इसको, वैसे भी कुछ नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया, 6 क्लास AI ली, दोस्त बोला भाई AI नया आया है कुछ, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ML, इसका दौर है भाई, ये सब कुछ ये कोडिंग वोडिंग नहीं होगा, रोबोट्स लिखेंगे कोडर कोडिंग सारी, ये लाइटें वाइटें वायरों से नहीं होगी, अब AI ताली बजाओगे लाइट खुल जाएगी, ताली बजाओगे बंद हो जाएगा, इसका ज़माना है, IoT का ज़माना है, चलो ये करते हैं छोड़ भाई, ये 6 कोर्स भी आपने छोड़ दिए, फिर आपकी मोटिवेशन हाई आई, राइट, तो ये ड्रॉप होता रहता है। अब मसला ये कि इस चीज़ को अगर आप अपने दोस्त से बताओ, जैसे उन्होंने कहा ना कि मैं कोर्स करता PLC का, मैं दोस्त को देखा, ये कोई बंदे को देखा मैंने, आपने अपने दोस्त को बताया मैं लर्निंग, मैं यार फोटोशॉप सीख रहा हूँ, पहले तो दोस्त बोलेगा हाँ सीख लो, टाइम जाएगा, सही है, आपने एक कोर्स के बाद कोई छोटा सा लोगो बना दिया, कोई ऐप बना दी, दोस्त को दिखाया देखो मैंने ये बनाया, अब होगी दोस्त को टेंशन, बोलेगा अभी तो पढ़ रहा है, अरे हम सब PUBG खेलते हैं साथ, लेकिन ये भी कर रहा है, राइट, इंडिया कोई करे, US कुछ कुछ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा दोस्त कुछ पढ़ ले ना, अगर टेंशन हो जाती है यार ये कर रहा है, फिर आपसे दोस्त बोले गए मुझे भी ट्यूटोरियल दे दो, तो इंसान के बच्चों की तरह उसको दे देंगे USB में, यार ये लो वीडियोस, अब आप दोनों साथ करोगे, चांसेस है 6 या 8 चैप्टर के बाद आपको मोटिवेशन डाउन हो जाए, तो आपको दोस्त बोले बेटा मैं 10 तक पहुंच गया हूं, ये बनाया मैंने, भाई मैंने इसको दिए थे, मुझसे आगे निकल गया ये, अब आप करोगे, राइट, इसी तरह दोस्तियां बनती हैं, इसी तरह आप लोग मिलकर प्रोजेक्ट बना सकते हो, इसी तरह को फाउंडर्स बनते हैं, इसी तरह आप लोग कम्पीट कर सकते हो इन यूनिवर्सिटी, इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, यू कैन फॉर्म कंपनीज टुगेदर, केमिस्ट्री बन सकती है, हमारे साथ चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, कोई किसी में पावर रखता है, कोई किसी में वीकनेस रखता है, कोई ये नहीं टेंशन में कहता भाई तुम सीखोगे फोटोशॉप के अंदर स्केचिंग, मैं सीखूंगा लैंडस्केप वाला, ऐसा नहीं, जो जो सीखना है सीखे, राइट, तो मेरे सारे जो दोस्त हैं मेरे कंपनी में को फाउंडर्स, मेरे साथ बैच में कंप्यूटर साइंस वाले डिग्री के को फाउंडर्स ही हैं। अब किसी गोरे से पूछो कंपनी में कौन से को फाउंडर होने चाहिए, वो बोलेगा एक मार्केटिंग का, एक बनाने वाला, एक लॉयर रख दो, मिक्स होना चाहिए, भाई अच्छी बात है होना चाहिए, नहीं हुआ हमारे पास, क्या करें, मैं तो हायर कर लूँगा आप तो, राइट, मेरा शौक था मार्केटिंग का, मैं मार्केटिंग में चला गया, वो डेव में अच्छा चल रहा है, उसकी मर्जी, राइट,
एक कंपनी में दो लोग चाहिए होते बनाने वाले, एक दो दो लोग चाहिए होते फॉर सक्सेसफुल, एक बनाने वाला एक बेचने वाला, बाकी सब फिगर आउट हो जाएगा। मैनेजमेंट स्क्रम एजाइल, जब प्रोजेक्ट मैनेज नहीं होगा ना फिर सीखोगे भाई करना कैसे, खुद ही आइटरेट करके सीख जाओगे अपने लिहाज से। स्टार्टअप का मैनेजमेंट बिल्कुल ही अलग है, कंपनी का अलग है, कॉर्पोरेट का अलग है, स्टार्टअप का अलग है। स्टार्टअप वाले फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब आज चाहिए चाहिए, कॉर्पोरेट में चाहिए 10 लोगों से अप्रूव होकर होगा, राइट, डिफरेंट है। तो पॉइंट मेरा ये, मेक गुड फ्रेंड्स एंड कम्पीट। अच्छा, ये करने के बाद जब कुछ चीज सीख जाओ फिर आपका काम है कोई चीज वापस सिखाओ, सिखाओ इंप्लीमेंट तो करना है, पोर्टफोलियो बनाना है, वो इंप्लीमेंट करना है, अग्री, लोगों को सिखाओ। आपने सीख ली PLC, क्या करा आपने, अपनी चीज बनाई, आप अपने दोस्तों को सिखाओ जो नहीं है इसके अंदर, राइट। तो हमने यूनिवर्सिटी क्या किया, हम जब थर्ड ईयर में आए थे सरसियत में सीखने लगे चीजें, प्रोग्राम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, हमने कहा यार हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों को पता ही नहीं है वो कैसे सीखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने बड़े फड्डे करे पॉलिटिक्स से, KU में उस टाइम में पॉलिटिक्स थी आपको पता है किंग का होल्ड था, तो हमने फड्डे वड्डे करे उनसे बड़े, हमने रूम खुलवाए, हमने कहा हमें यहाँ सेमिनार कराना है, सही है। तो यहाँ पे ये KU का सेमिनार होगा, हमने KU सरसियत के अंदर भी सेमिनार्स बहुत करे, सरसियत के थ्रू, सरजिया के अंदर प्रोग्राम के, CCP के जो प्रोग्राम है इसके थ्रू करे, माइक्रोसॉफ्ट के बिहाफ पे करे, फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट ने देख लिया ये लोग करते हैं इनको भेजो हर जगह, माइक्रोसॉफ्ट ने हमें टाइटल दे के हर जगह भेजना स्टार्ट करा, नोकिया ने देखना हमें भेजना स्टार्ट करा। तो हम वहाँ पर्पज माइक्रोसॉफ्ट नोकिया फेसबुक का काम करना नहीं था, वहाँ पर्पज था लोगों को सिखाना। तो हमने ये लोगों को सिखाने लगे, शुरू के अंदर पता है क्या, खाली एक रो बच्चे बैठे थे, एक रो खाली 6 बंदे, हमने कहा कोई बात नहीं, 4 ट्रेनर आए, हम सब दोस्त सारे दोस्त थे, लेकिन 6 लोगों को सिखाएंगे। 6 के बाद वो बढ़ता रहा, पूरी क्लास बढ़ने लगी, लोग करने लगे, सबमिट करने लगे चीज़ें, फिर हमारे पास हमारे जूनियर्स अपने जूनियर्स को सिखाने लगे, वो चेन बन गया, राइट। सो इससे फ़ायदा ये होता है आपका रिवाइज हो जाता है, कुछ आप कर सकते हो, कुछ गिव बैक कर सकते हो सोसाइटी, राइट। चौथा, बैलेंस योर लाइफ बिफोर इट्स टू लेट। अब मसला ये है कि गोरे आपसे बोलेंगे कि 40 आवर्स काम करो इन अ वीक, कोई बोलेगा 50 आवर्स काम करो, 60 आवर्स काम करो, 70 आवर्स काम करो, राइट। ये हमारा एक चक्कर कुछ और है, हम जो मुसलमान है ना थोड़े से, हम बोलते हैं भाई काम सब कुछ नहीं है, राइट। यू नीड टू गिव टाइम टू योर लव्ड वंस, राइट, फोकस ऑन फ्रेंड्स फैमिली वर्क रिलीजन, राइट। हमें लगता है कि हम हमेशा जिंदा रहेंगे, राइट, और एक स्टेज आएगा जब हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारी जिंदगी सेटल हो जाएगी, और जब हम लोगों की मदद करें, अभी तो हमारे पास पैसे है ही नहीं, हम मदद ही नहीं कर सकते, हम माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो वेट फॉर अ डे, और यू नो देखो एक चीज़ है कि आपके जो लव्ड वंस आपके साथ होते हैं ना, जब वो चले जाते हैं ना, तो कोई पैसा कोई पावर कुछ भी उनको वापस नहीं ले जा सकते, राइट। आपको लगेगा कि यार आप हमेशा रहने वाले हो, लेकिन एक पॉइंट आएगा वापस साथ नहीं होगा, और जब आपके साथ एहसास होगा यार हमने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया, हम उनके साथ कुछ कर सकते थे, राइट। और जब ये चीज़ होती है ना तो बड़ा हिट होता है। तो याद रखो कि 40 आवर्स जो टाइम है ना, ऑलवेज बैलेंस इज लाइफ। ये होता है कि सिचुएशन क्या है, अभी आप घर जाओ, आपकी अम्मी अबू आपसे पूछते हैं कि अम्मी आपसे पूछेंगे कि बेटा आपने खाना खाया, हाँ खाया, किसी ने आपको तंग किया, नहीं किया, चक मसला तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, यस नो यस नो, उस टाइम पे एक मैसेज आ जाए ना फ्रॉम योर बिलव्ड, हाउ इज योर डे स्वीट हार्ट, आप इंटरनेट तबाह कर दोगे, उसने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, पूरी कहानी लिख दोगे, राइट। एक आप बिल्ली पालते हो ना उसको 10 मिनट देने पड़ते हैं दिन के, कबूतर पालो चिड़ियाएं पालो बाजरा बदलना पड़ता है 5 मिनट लगते, कुत्ता पालो तो 1 घंटा उसको वॉक देनी पड़ती है, मतलब आपका चीख चीख के दिमाग खराब कर दो। माँ बाप को 5 मिनट भी देना चाहते हैं दिन के, और 5 मिनट भी अगर दो तो मोबाइल रख के दो। हमें से इतने लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारी अम्मी बड़ों के बनना क्या चाहती थी, वॉट अवर मॉम सेक्रीफाइस्ड सो दैट वी कुड बी वॉट वी आर टूडे, वी डोंट नो। हमें ये पता है क्लास में यूनिवर्सिटी में किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है,
नहीं घर में ये नहीं पता कि अम्मी बड़े हुए बनना क्या चाहते हैं तो हम कितना तंग करते थे अपने पेरेंट्स को कि अभी ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो उस टाइम तक हमारे पेरेंट्स उस टाइम को भी हमारे लिए ही निकालते। परफेक्ट। तो ये चीज अगर हम देखें अपनी लाइफ के अंदर तो मेरे मेरे नाम में हम भी सक्सेसफुली हो गया। अग्री, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो हम लोग दुनिया को ट्रेन करना चाहते हैं कि मुझे चिराग तले अंधेरा, राइट। अच्छा, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गया। अच्छा, इसके अलावा रिलीजन भी है, ठीक है। सो सक्सेस जो होती है ना वो सिर्फ हार्ड वर्किंग से नहीं आता, उसमें लक भी होता है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसी बहुत सारी ऐप्स आई, टाइमिंग आउट थी, उसका टाइम मैच नहीं हुआ। तो हार्ड वर्क प्लस सक्सेस मेक्स यू सक्सेसफुल, लक बेसिकली। और लक कैसे आएगी? When you give time to religion, to parents, karma, right? Do good things for others, then you eventually become successful, right? So balance your life before it's too late. Fifth point, don't let the bozos win you over. दुनिया में दो किस्म के losers होते हैं। एक loser तो वो होगा जो आपको लगेगा बहुत successful है, right? सलवार कमीज में होगा, कोट पैंट पहन के आएगा, silver hair होंगे, right? आप उससे बातें करेगा, आपको लगेगा यार ये बंदा जो बोला है सही है, right? एक किस्म का वो होगा जो कि सड़क पे नजर आएगा, बोलेगा कि पैसे दे दो, आप बोलेगा मैं तो नहीं दे रहा, बोलेगा तो कुछ नहीं कर सकता, तो फेल होगा, बोलेगा भाई हाँ जा, वो तो हल्का वाला है, बोले उससे अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो पहला वाला जो है ना, खतरनाक वाला, जो आपको लगेगा ये सक्सेसफुल है लेकिन जो बात बोलेगा सही बोल रहा है ये, उससे आपको बच के रहना है। क्यों? मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। दुनिया के अंदर एक थॉमस वॉटसन, ठीक है, 1943 चेयरमैन ऑफ IBM, इन्होंने कहा कि आई थिंक देयर इज अ वर्ल्ड फॉर अबाउट 5 कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। वो कह रहा है कि यार कि दुनिया में सिर्फ 5 कंप्यूटर की जरूरत है और फिर कंप्यूटर की जरूरत है ही नहीं। आज हमारे पास कितने कंप्यूटर्स हैं? हर एक के पास दो दो तो है, लैपटॉप और एक स्मार्टफोन, दो तो हो गए, राइट। ये कह रहा है चेयरमैन ऑफ IBM 1943 कि यार 5 कंप्यूटर दुनिया में चाहिए, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, केन ऑल्सन प्रेसिडेंट, ये भी बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, इसने कहा देयर इज नो रीजन फॉर एनी इंडिविजुअल टू हैव अ कंप्यूटर इन देयर होम। किसी को कंप्यूटर घर में जरूरत ही नहीं है भाई। 1977, इमेजिन करो इन दोनों के पास आता है बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स, कहते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ा आइडिया है, एलिवेटर पिच, हम ये करना चाहते हैं। तो ना आज माइक्रोसॉफ्ट होता ना एप्पल होता, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में किसी को कंप्यूटर की जरूरत ही नहीं है बेटा, आप क्यों बना रहे हो, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जब आपको लोग मना करें तो इसका मतलब हमेशा सक्सेसफुल होगा, बट द पॉइंट इज इफ पीपल से नो टू यू, यू वुड नेवर नो अनलेस एंड अंटिल यू ट्राई इट आउट, right? So always try it out and see if it works or not. You know, you can take 1000 advices, but do what your gut feeling says, right? ये ऐसे एक scene हुआ था IBE के अंदर, I was pitching my second product which is called Educating Dreams. मैं pitch कर रहा था IBE के अंदर, तुमने hall देखो IBE का यूं भरा होता है hall, right? Pitch कर रहा Educating Dreams को, pitch करते वक्त बीच में एक जज ने हाथ उठाया, बोला कि सवा QA के अंदर के समीर, stop talking, this idea will not work, this dead idea, it's obsolete. वो हॉल भरा हुआ, बीच में उसने रोक दिया। अब मेरी शक्ल ऐसी दे रही है, बॉस मैंने आपको बोला गया है, वैसा वाला सीन हो रहा है, राइट। अगर वो मेरी जिंदगी की पहली पिच होती ना, अगर तो मेरी दुनिया की, मेरी जिंदगी आखिरी पिच होती है, मैं उसके फिर कहीं पिच नहीं करता। लेकिन मुझे इतना था कि यार लोगों ने मेरी थोड़ी बातचीत थी, वाह थी, लोग पता है मैं काम कर रहा था, इस आइडिया को इतने इतने अवार्ड्स मिल चुके थे, तो मैंने कहा चलो यार कोई मसला नहीं है। बाद में जब जज से बाहर जाके मिला, मैं कहा सर कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और तो कहा यार अच्छा आइडिया, बस मैं ये कर लो हो जाएगा सेट। मैंने कहा अंदर तो फोड़ दिया मुझको, ए बाहर कह रहे हो जाएगा सेट। अब जाके वो जज से मिलता हूँ ना, उनको नहीं याद ही है, वो उनसे मिलता हूँ तो उससे कहते हैं आई न्यू यू हैड समथिंग इन यू, तुम कर सकते थे, ज़बरदस्त आइडिया तुम्हारा, अच्छा है ठीक है। अब मैं उनको रिमाइंड नहीं करता मैंने मुझे ये कहा था, लोगों को नहीं पता होता कब क्या बात कह दें, इसलिए हर एक की बात दिल पर लेने की होती नहीं है, राइट। उनके स्टेट में वो पता नहीं, राइट, लो और आगे बढ़ते रहो, राइट। सिक्स पॉइंट, लर्न टू आस्क फॉर हेल्प। हमारा मसला ये है कि हम कोई कॉम्पिटिशन जीत जाए, कहीं कोई सर्टिफिकेट आ जाए, हम समझते हैं अपने आप को बस 30 मार्क आ, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, मास्टर्स कर लिया, PhD कर ली, बैचलर्स करा गया है जिंदगी में, राइट, कॉम्पिटिशन जीत जाओ चौड़े। अब हमें किसी की हेल्प चाहिए ना, हम उसे हेल्प ही नहीं लेते, हम बोलते हैं हम खुद करेंगे, अगर हमने उसे हेल्प ली तो हम छोटे हो जाएंगे। इंसानों से दूर की बात,
हमें जिसने बनाया है उससे भी नहीं मांगते हो। हम बोलते हैं कोई अरबी आती है कोई ख़तरनाक सी और हमारी ज़ुबान तो समझ में आएगी नहीं उनको, तो हम छोड़ो यार कुछ अपना ही ट्राई करते हैं, वहाँ तो होगा नहीं होगा पता नहीं, राइट। और हम समझते हैं दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है, सारे प्रोफेसर हमारे पास आएँ, सारे मेंटर्स हमारे पास आएँ, हम जैसे ट्रेनर थोड़े बहुत आपके पास आए सर क्या आइडिया है आपका बता दें, राइट, हम उसको कुछ अच्छा करते हैं। आप चाहते हो सब आपके पास हो, खानदान में भी आप चाहते हो यार हमारे चाचा मेरे पास आए, वाह वाह करें यार बेटी ने मास्टर्स कर लिया, बेटे ने मास्टर्स कर लिया, अच्छा भाई, ऐसे नहीं होता, राइट। सो मैं जब छोटा था ना मेरी ख्वाहिश में स्पाइडरमैन बनूं, रात को सोने से पहले ना मैट्रिक के अंदर इखलास के साथ दुआ करता था, या अल्लाह सुबह उठूँ मैं स्पाइडरमैन बन जाऊँ और वेब निकले। सुबह उठता था, अम्मी उठाती थी, मैं जाता वेट करता था अम्मी बाहर जाए, और अम्मी बाहर जाए तो फिर मैं यूँ करता था कि ऐसा ना ये निकल आया, अम्मी को पता चल जाए कि यार ये बेटा स्पाइडरमैन बन गया, ये तो लो प्रोफाइल में तो रखना है ना, अम्मा को ना पता चले, सही है। तो फिर मैंने एपिसोड देखा जहाँ मैं अजीब सा वो स्पाइडरमैन बन जाता है म्यूटेशन, देखा अभी यार ये डॉक्टर दुआ मांग रहे हैं कि डॉक्टर बने ना बने, मैं तो कर रहा हूँ मुझे सही कौन करेगा, फिर मैं ये नहीं बनना। फिर मैं सास के देखा, मैं बड़ी जबरदस्त आंखें, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, नहीं बन पाया मैंने अपने आप को एडिट करके डाल दिया, राइट, जब फोटोशॉप सीख रहा था मैं, राइट। फिर मेरे शौक चला फ्लैश का, द फास्टेस्ट मैन अलाइव, मैंने कहा यार ये सॉलिड है बन नहीं पाया, जरा शर्ट पहन के तस्वीर खिंचा लेते, और फेसबुक भी डाल दी, मैंने कहा छोड़ो जो कह रहा है दुनिया वाले कह रहे, राइट, एक्सपेरिमेंटेशन बी ऑथेंटिक, टेक जस्ट पुट एवरीथिंग आउट देयर। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मसला ये कि हम समझते हैं कि यार कि हम जो भी दुआ मांगते हैं ना, क्या पता इतनी अजीब सी दुआ बजाय कबूल ही ना हो, राइट, पता नहीं कैसी दुआ हो। मैं एक बंदे से मिला जिसका नाम था, मैंने एक टॉक देखी बंदे की, उसका नाम टेड टॉक, मैंने कहा यार क्या बंदा यार, इससे बस मुझे एक डिनर लंच कर लूँ उसके साथ। एप्पल के उसने स्टीव जॉब के साथ काम किया है, 14 किताबें लिख चुका है, 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मैंने कहा यार इसके साथ कोई लंच वंच कर ले ऐसा हो जाए सीन हमारा। उस बंदे के साथ एक साल बाद उसने मुझे US बुलाया, उसने मुझे टिकट स्पॉन्सर किया कॉन्फ्रेंस का, उसके साथ मैं मिला, ये बंदा गाय कावासाकी, उसने मेरे प्रोडक्ट के बारे में मत दुनिया को बताया लगा कि मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, समीर की सोशल चैम्प है वो, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट बनी है, मैं उसने टेस्टिमोनियल दिया कि आई यूज दिस प्रोडक्ट विच इज़ द क्लीनेस्ट एफिशिएंट टूल। US बुलाया, वहाँ पे मिला मल्टीपल टाइम्स, घर में लेके गया, फैमिली से मिलाया, बच्चों से मिलवाया, राइट, एंड इट वॉज लाइक ए ड्रीम कि यार ये तो मैं हो ही सकता, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे US जाने के, सब स्पॉन्सर्ड था, और मैं दुनिया में जितने भी गया हूँ सब स्पॉन्सर्ड ही गया हूँ, तरक्की जहाँ जहाँ गया हूँ ना मैं, किसी कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया, किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, पूरा ट्रैवल सब कुछ, राइट। तो आपकी दुआ ऐसी होनी चाहिए कि यार आपको लगे कि यार मैं दुआ कर तो रहा हूँ, फरिश्ते भी हंसे बोले ये बंदा मांग क्या रहा है, लेकिन वो फरिश्तों का काम पूरा करना नहीं है, उस खुदा का जिन्होंने तुम्हें बनाया है, राइट, और वो सब कुछ पॉसिबल है। तो जब तक अकीदा होता है ना, जब तक फेथ हो कि यार ये स्टार्टअप करना है, ये डिग्री डिग्री विग्री सब ऐसे ही है, एम ऑब्जेक्टिव जो मैं कह रहा था ना आपसे, कह रहा हूँ एम इतना स्ट्रांग हो यार ला मुझे उससे काम करवा दे, मुझसे ये ले करवा दे, बस मैं लोगों की खिदमत करके लोगों को मैं स्टार्टअप बनवा दूँ, कि कंपनियाँ चल जाएँ, घर बदल जाएँ, उनका स्टेटस चेंज हो जाए, कोई खिदमत कर सके, वो एम रखो और फिर उसके लिए चीज़ें करो यार, फिर देखो कैसी चीज़ें बनती रहेंगी। US का वीज़ा, इसने मुझे सब कुछ करा, US का वीज़ा आया, अब मैं खान सिंगल खान कई दफ़ा पाकिस्तान के बाहर जा रहा हूँ अपने मतलब मैच्योर होने के बाद, मैं कतर में तो था, वो अम्मी के साथ बना हुआ था ना सब कुछ, अब मैं यहाँ आ गया, कई दफ़ा बाहर जा रहा हूँ, US एम्बेसी में इंटरव्यू, बोला क्यों जा रहे हो, मैं कह गाय से मिलने, ये वो ठक रिजेक्ट, वीज़ा रिजेक्ट भाई, क्योंकि सिंगल है खान है पता नहीं आएगा नहीं आएगा। वापस आया, मैंने कहा यार लोगों को बताया था मैंने, अब ये भी नहीं कि छुपा के एकदम से सरप्राइज दूंगा दुनिया को US जा रहा हूँ, भाई मेरे जितने मेंटर्स उनको तो बताऊंगा ना US जा रहा हूँ, बैठे हुए थे इंतजार में समीर आ रहा है जाएगा पाकिस्तान का कुछ नाम हम शो हो जाएगा, मेरे को बोला फेल हो गया, जहाँ मैंने नेक्स्ट आया के अंदर बताया कि फेल हो गया, मैंने कहा ऐसा कैसे, उन्होंने मेरी एक ईमेल लिखी US एम्बेसी को, उसमें मेरी तारीफ है कि भाई ये कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, मुझे पता भी नहीं था कराची यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी चीज़ें करी है मैंने, ये पढ़ाता है इसने ये किया ये किया, अगर आप US एम्बेसी हमें सपोर्ट करते हो ये नहीं कर सकते तो फ़ायदा क्या US एम्बेसी का पाकिस्तान के अंदर होने का। और फिर लिखा कि आई वॉच दैट ही विल कम बैक टू पाकिस्तान, और उसके बाद जो कॉल आई US एम्बेसी सर आप इसे अप्लाई करें, फिर मेरा VIP इंटरव्यू सब कुछ वहाँ पहले गया हुआ था, उन्होंने विंडो भी अलग करी थी बेटा आप यहाँ करेंगे, मैं वहाँ पर गया, मैंने कहा वो गोरा आया बोले कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा US जा रहा हूँ, क्यों जा रहे हो, मैंने गाय से मिलने, बोला गाय से मिलने नहीं बोला बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, मैंने कहा हाँ बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, नहीं उन्होंने फिर जवाब हुआ ठक करके वीज़ा लग गया 5 साल का, आना जाना जब से जा रहा है जवाब, और फिर वो भी मेरी ड्रीम था, मैं कहा यार ये तो रिजेक्ट हो गया अब तो नहीं जा सकता, हालांकि इतनी 4 या 5 दिन बाद तो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रही थी,
मैंने कहा यार ये तो किया मेरा सारा राइट. तो ऑलवेज हैव फेथ इन ड्रीम्स टू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. आई थिंक दैट्स इट. कंपनी सोल चैम्प करती क्या है जो लोगों सवाल होते हैं. एक soulchamp.io वेबसाइट है जहाँ पे आप जाते हो अपने सोशल मीडिया साइट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो डाल सकते हो. अगर आपका फेसबुक है ट्विटर है लिंक्डइन है पिंटरेस्ट है गूगल माय बिजनेस है इन सबको soulchamp.io पे जाके ऐड कर सकते हो. ठीक है आप हमारी साइट पर जाके पोस्ट करोगे तो हर जगह पोस्ट हो जाएगा. हमारी साइट मतलब आपने हमारी तरफ जाके लिख दिया आई एम एंजॉइंग इन सर सैयद पोस्ट किया तो आपको बहुत फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन पिंटरेस्ट हर जगह पोस्ट हो जाएगा. आप स्केड्यूल कर सकते हो कि कल जाए हफ्ते में जाए महीने के जाए सालों के एक साथ स्केड्यूल कर दो तो पूरे कैलेंडर में नजर आए कि अगर जाने वाला है. तो जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें ये इसका बेसिक जिस्ट है. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप वेबसाइट में जाके देख सकते हो. अगर आपको अच्छा लगा ट्विटर पर जाके ट्वीट कर दें मेंशन कर दें आपको मज़ा आया आपको सीखना चाह रहे हो सवाल तो आप पूछ सकते हो जो मैं यहाँ जवाब ना दे सकूँ मेरे ट्विटर पर ट्वीट कर दो तो मैं वहाँ इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जवाब दे दूँ. थैंक यू सो मच. आप लोगों को सवाल है तो पूछ सकते हो. कोई सवाल आप लोगों को या बाद में बाहर नहीं पकड़िएगा. आई एम लाइक 30 साल का हो गया 30 साल का हो गया इसीलिए मैंने आपको बोला था. दुख है मुझे के बाल देखकर पैसा मत कीजिए. नहीं दुख है मुझे 30 साल का हो गया वरना आज भी मैं थोड़ा सा एक दो साल छोटा होता ना एक मैगजीन में आ जाता. खैर एक मैगजीन है बहुत अच्छी उसमें कल परसों ही मैं आने वाला था. मैंने कहा यार आप 3 महीने बड़े हो गए मतलब 30 under 30 आ सकते हो. फॉर्ब्स मैगजीन है सुना होगा ना फॉर्ब्स का तो आने वाला था टॉप 30 पर उन्होंने कहा नहीं आप टॉप 40 में ले लेंगे आप. मैं भाई खैर और कोई सवाल बिल्कुल अच्छा पॉइंट है. देखो हर एक का जो सक्सेस है ना दुनिया बंद करना सर दुनिया के अंदर ना हर एक की जो सक्सेस की डेफिनेशन है ना सक्सेस वो हर एक की अलग है. एक है जो इस्लाम बताता है सक्सेस क्या होती है एक है जो हम बनाते हैं सक्सेस क्या होती है राइट. ये जो फेज है ना ये वाला ये हर एक की जिंदगी में आता है तुम्हारा वाला जो हमने बात करी ना कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं हम देखो क्या कर रहे हैं. वैसे मैं स्टार्टअप कर रहा था राइट 3 फेल हो गए चौथा भी. अब चौथे के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती रहती है एक्विजिशन की. एक्विजिशन क्या होती है क्योंकि बड़ी कंपनी से कैनवा है बहुत बड़ी कंपनीज है वो आपको कहती है आप कंपनी बंद करें हमारे पास आ जाए आप इतने पैसे ले लें $30,000-$50,000-$100,000 ले लें हमारे पास आ जाए ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाए हमें ऑफर आ चुकी है ये. ठीक है उस टाइम हम सोचते यार हम करें ना करें कंपनी बंद करें ऑस्ट्रेलिया चले जाए इतने पैसे आ जाएंगे घर भर भी हो जाएगा हाँ ऑस्ट्रेलिया भी जगह दे रहे सब कुछ दे रहे करें ना करें यार करें ना करें. फिर कभी सोचते हैं कि यार करना चाहिए था कभी सैडनेस आया ना हम कर लेते यार सेट हो जाता है ये क्या पड़े हुए यार इधर तेरे साइड. कभी दोस्त को देखते हैं यार चलो जॉब कर रहे हैं गूगल फेसबुक में हमारे पास भी अपॉर्चुनिटीज हम भी अच्छे डेवलपर हैं अल्लाह का शुक्र है हम भी जा सकते हैं वहाँ पर राइट. जाना चाहिए गूगल में नहीं जाना चाहिए फेसबुक पे कभी कभी आता है लेकिन हमें पता है यार हमें वो तो थोड़ा डिप्रेशन टाइम में हो रहा है ये देख रहे हैं सैलरी भी ज़्यादा है ये भी देखते हैं भाई शादीशुदा भी हुआ है खुश भी है. हर एक का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है किसको किस चीज़ में किस चीज़ की एक्साइटमेंट है ना उसको क्या चीज़ अचीव करनी है वो डिफरेंट है. वो उसमें खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है उनका वो वहाँ तक विजन है और हमारा क्या विजन है ये सब करते हुए कैसे जाना है वो हर एक का डिफरेंट है. तो वो जो आपने बात की ना अंदर हैप्पीनेस एक्साइटमेंट वाली वो आपको ही पता चल सकता है. किसी को देख के ये होना चाहिए यार लोग बोलते हैं भाई स्टार्टअप करना है क्यों सब कर रहे हैं क्या करते हैं गूगल में लिखते हैं बेस्ट 2020 स्टार्टअप आइडियाज. वे भाई आपको जो तकलीफ है उसको सॉल्व करो ना. जैसे मैंने अपने 3 आइडियाज बताए तो तीनों मेरी जिंदगी के अंदर पेन आया था उसको मैं सॉल्व किया ना. पहला गेम ओ चैट याहू बंद हो रहा था मैंने बना दिया एजुकेटिंग ड्रीम्स बच्चे को मिला इंस्पायर हुआ. तीसरा दूसरा मेरे दोस्त भूल रहा था इंस्पायर हुआ. चौथा ये जो स्टार्टअप सोच जाए तो बाई एक्सीडेंट बनाया
ये मैं कंपनी बनाना नहीं चाह रहा था, मैं ये सोशल चैनल ये बनाया बाय एक्सीडेंट, मैं तीसरे स्टार्टअप की मार्केटिंग करना चाह रहा था, सही है, और उसके चक्कर में बन गया ये कि कैसे मैं बेस्ट कर सकता हूँ मार्केटिंग, तो उसके चक्कर में बना और लोगों ने इस्तेमाल किया, टेक जूस ने इस्तेमाल किया, बोला समीर इसको चलाया बाकी तुम्हारा स्टार्टअप बंद होना इसको चलाए रखना, हमने कहा यार वायर इसके लोग तारीफ कर रहे हैं, तो ये बाय एक्सीडेंट बनाया ये स्टार्टअप, हमने इसमें कोई लोगों ने सोचा, मैंने डोमेन फ्री का पकड़ा, नाम वाम नहीं सोचा, बस बना के डाल दिया भाई इस्तेमाल करो इसे, राइट। ओके सवाल नहीं, कोडिंग पसंद नहीं है आपको, आईटी की इंडस्ट्री में रहना है, देखो कोडिंग नहीं पसंद तो या तो आपको टीचर अच्छे नहीं मिले, हाँ समझ में नहीं आती, या तो आप कोई ऐसे कोर्सेज करो जहां पे समझ में आ जाए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है, सी ले लो, सीखो कि यार आप कैसे डायमंड पैटर्न प्रिंट कर सकते हो, इवन ऑड नंबर कैसे प्रिंट कर सकते हो, लॉजिक्स क्लियर करो, ठीक है, असल कोडिंग जो होती है लॉजिकल एल्गोरिथम क्लियर करने होते हैं, वरना एपटेक में जाके आप 6 महीने का कर सकते हो, खुदा से कोई एपटेक का बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन असल कोडिंग का होता है कि आप अपनी वो क्लियर करो लॉजिक्स, ठीक है, लेकिन लेट से आप कहते हो यार मुझे कोडिंग करनी ही नहीं है, मेरी जिंदगी का मेम ही नहीं है भाई, ये क्या चीज़ है, कोडिंग से मिलती मिलती बहुत सारी चीज़ें हैं फिर इस इंडस्ट्री में, आपका QA हो जाता है, लेकिन QA के अंदर एक तो होती है QA जो QA है, मतलब टक टक क्लिक क्लिक किया टेस्टिंग के लिए ख़त्म, एक होती है QA जिसमें आप टेस्ट केसेस लिखते हो, वो है मज़े वाली, टेस्ट केसेस में थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है, ऑटोमेशन होती है कि QA पहले डिप्लॉय से पहले क्या हो रहा है, उसके अलावा IT के अंदर बहुत चीज़ें हैं यार जहाँ पे प्योरली कोडिंग नहीं लेकिन कोर है वो, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए API लेवल या क्लिक क्लिक करके बनाना, ड्रैग ड्रैग क्लिक क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बना देना, लेकिन ये तो हर कोई कर सकता है, ये हर कोई कर सकता है, ये हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, देखो जैसे मैं प्योरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, ठीक है, आपको सीखनी PHP, आपको कोई टेक्नोलॉजी सीखनी है, अब PHP है, WordPress है, ASP है, राइट, Node.js है, PHP है 10-20 साल पुरानी, दुनिया में कितने लोग हो सकते हैं एक्सपर्ट उसके अंदर, कह लो 20 साल पुरानी है तो 20 करोड़ कह लो जीते होंगे, अभी सीखोगे आपको उन सबसे ऊपर आने के लिए 20 करोड़ लोगों से कॉम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है, ASP 20 करोड़, Node.js को 5-6 साल हो गए, नहीं 8 साल हो गए लेट्स से, तो Node.js कितने बंदे होंगे, शायद 2-3 करोड़, React Native, ठीक है, Angular कितने लोग होंगे, मुश्किल से 500,000, तो अगर तुम ये सीखोगे तो कंपीट करना आसान होगा मुश्किल होगा, आसान, क्योंकि बंदे ही कम है मार्केट में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एंगुलर मर्न के बंदे ही नहीं मिल रहे हैं, मैं 1.5 साल से ढूंढ रहा हूं, अब जाके एक मिला और मुझे 3 बंदे और हायर करने हैं, नहीं मिल रहे, सैलरी कितने दे सकते हैं, 1.5-2 लाख देने को तैयार है, नहीं मिल रहे, अच्छे बंदे ही नहीं है मार्केट में, एंगुलर के, रिएक्ट के, Node.js के, फ्रंट एंड डेवलपर्स नहीं है, बैक एंड डेवलपर्स अच्छे नहीं है, जिनको ग्रंट बाव ये सब आता हो ऑटोमेशन, तो अच्छे बंदे हैं ही नहीं डेवलपर, और जो है वो बस वर्डप्रेस का एक कोर्स कर लिया, भाई वर्डप्रेस के 10 करोड़ लोग हैं और इतने अच्छे अच्छे हैं कि वो प्लगइन खुद बना सकते हैं, तो मैं उनको हायर करूं आपको हायर करूं, राइट, तो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई, मतलब सब लगे हुए इस दुनिया में 2 करोड़ आराम से, उनमें आप भी घुस जाओगे, फिर बोलते हैं डिग्री की है हमारे पास है जॉब नहीं है, आपने यूनिक स्किल क्या है पता नहीं, पोर्टफोलियो बना हुआ है नहीं बना हुआ, भाई पोर्टफोलियो बनाओ, कोर्स करते हो आप, कोर्स करने के बाद कोई चीज़ बना के डिप्लॉय अपलोड करो उसको, ताकि जब CV में आप डाल सको लिंक मैंने ये बनाया है, आप करते क्या है एक सेमिनार लेते हैं जावास्क्रिप्ट का, घर जाते हैं CV में लिखते हैं जावास्क्रिप्ट आ गई है, एक सेमिनार लेते हैं फोटोशॉप का CV अपडेट करते हैं फोटोशॉप आ गई, 1 घंटे का कोर्स कर लिया, CV देखो तो 50 चीज़ें आती हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाओ कुछ भी नहीं आता, तो भाई ये तो आप अपने साथ खेल रहे हो ना।
तो पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मुझे पता है लोग भूल जाते हैं काम. मैं खुद कोडिंग करी, मैंने फ्रंट एंड के अंदर, अब तो वो एक्सपर्टीज है, मैं बैक एंड में काम किया, मोंगोडीबी के डिग्री सर्टिफिकेट सब कुछ है, मुझे याद नहीं है. लेकिन मैं बस पोर्टफोलियो में काम पड़ा है, बेटा ये मैंने बनाया है, ये जो लिंक में काम किया मैंने किया है. तो मुझे एक दो हफ्ता लगेगा रवा होने में, लेकिन मैं हो जाऊंगा, मैंने काम किया है. तो पोर्टफोलियो स्पीकिंग फॉर मी, नॉट माई डिग्री, माई सर्टिफिकेट, माई सेमिनार इन एनी यूनिवर्सिटी. सो क्रिएट अ पोर्टफोलियो और पुट दैट लिंक इन योर रेज्यूमे एंड देन गुड लक. सही सही सवाल. समय समाप्त. बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का. थैंक यू सो मच.